वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं लेके आई नो वर्टी रामी मूवी जो हाल ही 2024 में रिलीज हुई है ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जो एक पीरियड कॉमेडी ड्रामा मूवी है मैं आज इस वीडियो में इस मूवी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी जैसे कि इस मूवी की बजट इस मूवी की रनिंग टाइम इस मूवी की लैंग्वेज किस लैंग्वेज में ये रिलीज हुई है वहीं पे इस मूवी की रिलीज डेट मूवी को किस कंपनी द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया है मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मूवी को किसने संगीत दिया है वहीं पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर एडिटर वहीं पे इस मूवी के पटकथा को किसने लिखा है ये भी बताऊंगी साथ ही साथ इस मूवी के स्टार कास्ट मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर के बारे में बात करूंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आओ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वडक्कू पट्टी रामाशामी एक दो हजार चौबीस में रिलीज हुई इंडियन तमिल लैंग्वेज की पीरियड कॉमेडी ड्रामा मूवी है जो डिक्की लूना फेम्स कार्तिक योगी द्वारा लिखी गई और वहीं पे डायरेक्टेड की गई मूवी है और इसमें संतानाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है वहीं बात करूं इस मूवी की इस की स्टोरी तो एक स्वार्थी धन दिमाग वाला धो के बाद अपने साथी ग्रामीणों के अंधविश्वासों का उपयोग करके अपना जीवन यापन करता है वही जब उसकी आय का प्रमुख स्रोत बंद हो जाता है तो वह मंदिर को फिर से खोलने के लिए कई तरीके आसमाता है वही बात करो इस मूवी की स्टार कास्ट के तो मूवी में समानम सं, रामस्वामी की भूमिका में है वही इस मूवी में मेगा आकाश डॉक्टर कयाल विजी के रूप में है वही एम एस भास्कर जी मुनुवामी की भूमिका में है जॉन विजय जी इस मूवी में मुकेान का नियान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वही रवि मारिया कलैया के भूमिका में है तहसीलदार जी इस मूवी में काती रेशन के रूप में है जो तमिश बदुर के हैं वहीं निजा लॉगल रवि मेजर चंद्रकांत के भूमिका में है राजेंद्र जी एक मुंडे के रूप में है वहीं पे रामा के दोस्त मुरुगेशन के भूमिका में इस मूवी में लोलू शबाब मारन है वही कुलू कुल सुरेश धनरषु के रूप में है पुजारी के रूप में इस मूवी में लोलू शबा शेषु है वहीं पे प्रसाद मूठू के भूमिका में है जो कल्याण का बेटा है वही जैकलीन लक्ष्मी मुकेयन की बेटी की भूमिका में है गोपाल सिद्ध फैथियर के रूप में मूवी में स्वामीनाथन है वही बंदर रवि को तहसीलदार कपी ए नियुक्त किया गया वही रामाशामी की मां के रूप में मूवी में मनी मेघालय है वही ग्रामीण सरगुणम के रूप में थेनी मेरुगन है वही उदू मलाई रवि अस्पताल परिचारक के रूप में है वही न्याय की भूमिका में नकलाइट साबित है वही मूवी का टाइटल उत्मा रासा 1993 के एक कॉमेडी सीन्स पर बेस्ड है जिसमें गौंडा मैनिक एक ऐसे इंसान से पूछता है जो मर गया है और वो व्यक्ति वडकू पट्टी रामाशामी के साथ जवाब देता है वही ये मूवी 1960 सिक्सटी और वहीं पे 1970 सेवेंटी के दशक में घटी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है वही मूवी की शूटिंग तिरसठ दिनों के एक ही शेड्यूल में की गई थी वहीं ये फिल्म दो फरवरी को दो हज़ार चौबीस को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और वहीं पे फिल्म के सैटेलाइट राइट्स कलकनार टी को बेचे गए थे वही साउंड ट्रैक सॉन्ट रोल्डन द्वारा रचित था वही इस मूवी का गाना अबारक को दबारक को के बोल बम शंकर संक, जी ने लिखे हैं। वही इस गाने के गायक सांथानाम शॉन रोल्डन है वह इस गाने की ड्यूरेशन थ्री पॉइंट थर्टी नाइन सेकेंड है वही इस मूवी का दूसरा गाना और उर्दो के बोल अरिवू जी ने लिखे हैं वहीं पे इस गाने के गायक एंथोनी दासन है वहीं पे इस गाने की ड्यूरेशन थ्री पॉइंट थर्टी टू सेकेंड है वहीं सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने मूवी को पाँच में से स्टार तीन स्टार रेटिंग दी और लिखा कि सभी स्पष्ट खामियों के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूत ना करे वड़कू पट्टी रामस्वामी अभी भी आपको बीस चित्र पात्रों से भरी अपनी रंगीन दुनिया में खींचती है और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ वहीं पे इस मूवी को टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आलोचक ने पाँच में से चार दो की स्टार रेटिंग दी वहीं एक बाई दो तो स्टार रेटिंग दी और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वह डकूपट्टी रामासामी व डकूपट्टी रामा एक पुनः नाटकीय मूवी है जो आम ऑडियंस को हंसाने रोने और निराश होने के लिए बनाई गई है इसके दो घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान वहीं इंडिया टुडे के एक आलोचक ने इस मूवी को रेटिंग देते हुए पाँच में से दो की स्टार रेटिंग दी और लिखा कि शांत धर्म की, की मूर्खतापूर्ण कॉमेडी इतनी मूर्खतापूर्ण है कि ये आपको ज़्यादातर अपना वक्त अपना सीज खुजलाने पर मजबूर कर देती है न्यूज़ टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि संक्षेप में मूवी ऑडियंस को कॉमेडी ड्रामा और अप्रत्याशित मोड का एक आनंददायक मिश्रण प्रदान करती है जो इसे हल्के फुल्के और वहीं मनोरंजक सिनेमाई अनुभव की तलाश करने वालों के लिए सार्थक घड़ी बन जाती है वहीं पे हम अक्सर हास्य कलाकारों को इस बारे में बात कहते हुए सुनते हैं कि कॉमेडी लिखना कितना कठिन है और जो कागज़ पर काम करता है ज़रूरी नहीं कि वो स्क्रीन पर भी काम करे वहीं पे पिछले लगभग एक दशक में हमने कई कॉमेडी फिल्में देखी है जो इसे दिल से लगा लेती है वही लिखने के कि किसी भी प्रयास को पूरी तरह से छोड़ देती है और हमें पीड़ित कर देती है वही पेना तिरतन जब वक्ता गुणवक्तापूर्ण कॉमेडी की बात आती है तो तमिल सिनेमा लंबे वक्त से सूखे की स्थिति में है वाको पर टी ने या तो जादू तोड़ दिया है या कम से कम उन्हें इससे फायदा हुआ है वही उसी तरह जैसे रेगिस्तान में फंसे किसी इंसान को एक गंदा तालाब हिमधारा जैसा दिखता है वही वे किसी भी तरह से यदि आप खामियों के बारे में बहुत अधिक है। सोचते हैं तो मूवी आपको एक जैसा महसूस कराने के लिए पर्याप्त काम करती है वहीं पे हालांकि ये एक पुनः व्यंग नहीं है ये मूवी अंधविश्वास धार्मिक कटरता वही नकली बार अंधविश्वास जैसे टॉपिक्स पर मजाक उड़ाती है और इस पे कोविड के वर्षों पर एक मेटा कॉमेंट्री भी है हालांकि ये भूलना मुश्किल नहीं है कि व्यंग तर्क संगत दृष्टिकोण के बजाय आत्मा आलोचनात्मक अस्त के लेंस के माध्यम से कैसे आता है वहीं पे परमी एक उदण्ड अविश्वासी सरन द्वारा अवेरित एक अनुसरण कहता है जो अपने ग्रामीणों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर एक देवता बनता है वही एक मंदिर बनाता है और फिर आध्यात्मिक व्यवसाय को पर ले जाता है और वही अपने गांव में एक प्रमुख इंसान बन जाता है वही पे हालांकि बड़ी ताकतें रामी को भ्रष्ट करने की कोशिश करती है और वही लड़ाई उनके सब कुछ खोने के समाप्त हो सकती है सायद उनकी नासिकता भी हालांकि इसका आधार ऐसा लगता है जैसे इसमें धर्म की धार्मिकता के बारे में पर्याप्त घटिया संदेश है जो आपकी आंखें घुमाते रहेंगे मूवी इतनी आश्वस्त है कि संदेशों के साथ या नाटकीय क्षणों को थकेले तक, के बजाय अपने केंद्रीय टॉपिक्स को धीरे धीरे विकसित होने देती है हालांकि आखिरी कुछ सीन्स में ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर कार्तिक योगी ने उपरोक्त सकारात्मकताओं पर एक बुलडोजर चला दिया है जिसमें पूरी तरह से बदलाव और बारीकियों और सुचमता की कमी है वही संतराम एक संयमित दृष्टिकोण अपनाता है वहीं पे पीछे की सीट लेता है और सपोर्टिंग कैरेक्टर को भारी काम करने देता है खासकर जब कॉमेडी सीन्स की बात आती है वहीं दूसरी ओर संतरा भी व्यावसायिक नायक के भूमिका में अपनी स्थिति का दावा करने की जल्दी में नहीं है हालांकि यहाँ कुछ सामान्य हीरो क्षण हैं जैसे यहाँ धीमी गति से चलना और वहाँ एक पंच संवाद ऐसा महसूस नहीं होता है कि सरतर हताशा के साथ स्टीयरिंग व्हील पकड़ रहा है भले ही वह निश्चित रूप से ड्राइवर की सीट पर बैठा हो वहीं पर से मार, रबी मारिया और आश्चर्यजनक हद तक डीजा लगल रबी सबसे ज्यादा हसी लाते हैं वहीं पर यहाँ तक कि उन सीन्स में भी जो कहानी से बहुत दूर तक फैले हुए हैं और वही गति को ख़त्म कर देते हैं वहीं मेगा आकाश की काइल फीसी न केवल एक अच्छी तरह से लिखी गई एक फीमेल कैरेक्टर होने के कारण ताज़ा है जो कथानक को प्रस्तुत करती है और न केवल एक रोमांटिक रुचि रखती है बल्कि कई अंत हाल या फिल्मों की तरह हमारे चेहरे पर चिल्लाने के लिए भी नहीं वही हालांकि ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने उसके कैरेक्टर को नष्ट के लिए उसी बुलडोजर का यूज किया है जिसका यूज उसने क्लाइमेक्स के लिए किया था वहीं पे एन में कायल विजी ने राम की योजनाओं को विफल करने के लिए खुद को एक मोहक महिला में बदल लिया। वह कैरेक्टर में चेंज जो कहीं से भी आता है और अनाशक लगता है क्यों यह क्योंकि यह ना तो हास्य और ना ही नाटक प्रदान करता है वह इससे भी कोई मदद नहीं मिलती है कि मेगा आकाश कमज़ोर प्रदर्शन के साथ यकीनन एक अच्छी तरह से लिखे गए कैरेक्टर की एक सकारात्मक सकारात्ताओं का लग लाभ उठाने में विफल रहती है वही अंत तक कि ओ शारदा का कैरेक्टर डेवलप है क्योंकि वह अचानक इतना भी बन जाता है कि अधिक से अधिक फलाई के लिए खुद को बलिदान कर सकता है वहीं ये भी किसी ठोस ट्रिगर द्वारा संबंधित नहीं है वही एम एस भास्कर एक अन्य पूर्व शराबी की भूमिका निभाते हैं जो विश्वास के महत्व के बारे में मूवी के केंद्रीय संदेश का मुख्य पात्र बनते हैं हालांकि उन्होंने एक दिलचस्प किरदार निभाया है एम के जिसने हास्य और नान के दोनों भूमिकाओं में अपनी उत्कृष्टता साबित की क्या बहुत कम उपयोग किया लगता है हालांकि पात्र पूरी तरह से संतोषजनक तौर से नहीं गुजर सकते हैं वाकुपा टी राम स्वामी की सबसे बड़ी ताकती इसका लेखन थे गति को बनाए रखने के लिए प्रत्येक कथा सूत्र दूसरे के प्रभावी ढंग से प्रभावित करता है वही इसके अलावा आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहानी कुछ मजाक के एक लिखी गई हो वही हास्य अधिकांश भाग में काम करता है और यहाँ तक कि जो चुटकुले नहीं चल पाते वो भी समय है और यहाँ तक कि सभी स्पष्ट खामियों के बावजूद और भले ही कहानी आपको मजबूत नहीं कहती है बट पट्टी रामा अभी भी आपको बीचित्र कैरेक्टर से भरी अपनी की दुनिया में खींचती है और आपको कुछ हद तक हंसी के साथ जोड़ देती है तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए तो चलिए दोस्तों मिलते अगली वीडियो में फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज मैं लेके आई हूँ वट अटी रामाशामी मूवी जो हाल ही दो में रिलीज हुई है ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जो एक पीरियड कॉमेडी ड्रामा मूवी है मैं आज इस वीडियो में इस मूवी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी जैसे कि इस मूवी की बजट इस मूवी की रनिंग टाइम इस मूवी की लैंग्वेज किस लैंग्वेज में ये रिलीज हुई है वहीं पे इस मूवी की रिलीज डेट मूवी को किस कंपनी द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया है मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मूवी को किसने संगीत दिया है वहीं पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर एडिटर वहीं इस मूवी के पटकता को किसने लिखा है ये भी बताऊंगी साथ ही साथ इस मूवी के स्टार कास्ट, मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर के बारे में बात करूंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वर्डक्कूपट्टी रामाश्रामी एक दो हज़ार चौबीस में रिलीज हुई इंडियन तमिल लैंग्वेज की पीरियड कॉमेडी ड्रामा मूवी है जो डी लूना फेम्स कार्तिक योगी द्वारा लिखी गई और वहीं पे डायरेक्टेड की गई मूवी है और इसमें संतानाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है वहीं बात करूँ इस मूवी की स्टोरी की तो एक स्वार्थी धन दिमाग वाला धो के बाद अपने साथी ग्रामीणों के अंधविश्वासों का उपयोग करके अपना जीवन यापन करता है वहीं जब उसकी आय का प्रमुख स्रोत बंद हो जाता है तो वह मंदिर को फिर से खोलने के लिए कई तरीके आजमाता है वहीं बात करूँ इस मूवी की स्टार कास्ट के तो मूवी में समानम रामस्वामी की भूमिका में है वही इस मूवी में मेगा आकाश डॉक्टर कयालिन विजी के रूप में है वहीं एम एस भास्कर जी मुनूसामी की भूमिका में है जॉन विजय जी इस मूवी में मुकेान का नि का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वहीं रवि मारिया कलैया की भूमिका में है तहसीलदार जी इस मूवी में कातिरेशन के रूप में है जो तमिश बदुर के हैं वही डीजा रवि मेजर चंद्रकांत के भूमिका में है राजेंद्र जी एक कुंडे के रूप में है वहीं पे रामास्मी के दोस्त मुरुगेशन के भूमिका में इस मूवी में लोलू शबा मारन है वही कुलु कुल सुरेश के रूप में है पुजारी के रूप में इस मूवी में लोलु शबा शेषु है वहीं पे प्रसाद मुथु के भूमिका में है जो कल्याण का बेटा है वही जैकलीन लक्ष्मी मुखयान की बेटी की भूमिका में है गोपाल सिद्ध फैथियर के रूप में मूवी में स्वामीनाथन है वही बंदर रवि को तहसीलदार का पी ए नियुक्त किया गया है वही रामास्वामी मां के रूप में मूवी में मनी मेघालय है वही ग्रामीण सरगुणम के रूप में थेनी मेरुगन है वही उदू मलाई रवि अस्पताल परिचारक के रूप में है वही नैस की भूमिका में नकलाईट सावित्री है वही मूवी का टाइटल उत्मा रासा 1993 के एक कॉमेडी सीन्स पर बेस्ड है जिसमें गौंडा मैनिक एक ऐसे इंसान से पूछता है जो मर गया है और वो व्यक्ति वडकू पट्टी शामी के साथ जवाब देता है वो ये मूवी 1960 और वहीं पे 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है वही मूवी की शूटिंग तिरसठ दिनों के एक ही शेड्यूल में की गई थी वहीं ये फिल्म 2 फरवरी को 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और वहीं पे फिल्म के सैटेलाइट राइट्स कलेक्टर टीवी को बेचे गए थे वही साउंड ट्रैक साउंड रोल्डन द्वारा रचित था वहीं इस मूवी का गाना अबारक को दबारक को के बोल बक्म शह संक, शंकर जी ने लिखे हैं वहीं इस गाने के गायक सांथानाम शॉन रोल्डन है वह इस गाने की ड्यूरेशन थ्री पॉइंट थर्टी नाइन सेकेंड है वहीं इस मूवी का दूसरा गाना और उर्दू के बोल अरिव जी ने लिखे हैं वहीं पे इस गाने के गायक एंथोनी दासन है वहीं पे इस गाने की ड्यूरेशन थ्री पॉइंट थर्टी टू सेकेंड है वहीं सिनेमा एक्स प्रेस के एक आलोचक ने मूवी को पाँच में से स्टार तीन स्टार रेटिंग दी और लिखा कि सभी स्पष्ट खामियों के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूत ना करे वर्ण पट्टी रामस्वामी अभी भी आपको बीच चित्र पात्रों से भरी अपनी रंगीन दुनिया में खींचती है और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ वहीं पे इस मूवी को टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आलोचक ने पाँच में से चार दो की स्टार रेटिंग दी वहीं एक बाई दो स्टार रेटिंग दी और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वह पट्टी रामी व पट्टी रामा एक पुनः नाटकीय मूवी है जो आम ऑडियंस को हंसाने, रोने और निराश होने के लिए बनाई गई है इसके दो घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान वही इंडिया टुडे के एक आलोचक ने इस मूवी को रेटिंग देते हुए पाँच में से दो की स्टार रेटिंग दी और लिखा कि शांत धर्म की, की मूर्खतापूर्ण कॉमेडी इतनी मूर्खतापूर्ण है कि ये आपको ज़्यादातर अपना वक्त अपना सीज खुजलाने पर मजबूर कर देती है न्यूज टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि संक्षेप में मूवी ऑडियंस को कॉमेडी ड्रामा और अप्रत्याशित मोड़ का एक आनंददायक मिश्रण प्रदान करती है जो इसे हल्के फुल्के और वहीं मनोरंजक सिनेमाई अनुभव की तलाश करने वालों के लिए सार्थक घड़ी बन जाती है वहीं पे हम अक्सर हास्य कलाकारों को इस बारे में बात कहते हुए सुनते हैं कि कॉमेडी लिखना कितना कठिन है और जो कागज़ पर काम करता है ज़रूरी नहीं कि वो स्क्रीन पर भी काम करे वहीं पे पिछले लगभग एक दशक में हमने कई कॉमेडी फिल्में देखी है जो इसे दिल से लगा लेती है वही लिखने के कि किसी भी प्रयास को पूरी तरह से छोड़ देती है और हमें पीड़ित कर देती है वही पेना तेजातन जब गुणवक्तापूर्ण कॉमेडी की बात आती है तो तमिल सिनेमा लंबे वक्त से सूखे की स्थिति में है वाकू पर टी राम ने या तो जादू तोड़ दिया है या कम से कम उन्हें इससे फायदा हुआ है वही उसी तरह जैसे रेगिस्तान में फंसे किसी इंसान को एक गंदा तालाब हिमधारा जैसा दिखता है वहीं वे किसी भी तरह से यदि आप खामियों के बारे में बहुत अधिक है। सोचते हैं तो मूवी आपको एक आनंददायित शिकायत जैसा महसूस कराने के लिए पर्याप्त काम करती है वहीं पे हालांकि ये एक पुनः व्यंग नहीं है ये मूवी अंधविश्वास धार्मिक बाबा अंधविश्वास जैसे टॉपिक्स पर मजाक उड़ाती है और इस पे कोविड के वर्षों पर एक बेटा कॉमेंट्री भी है वही हालांकि ये भूलना मुश्किल नहीं है कि व्यंग तर्क दृष्टिकोण के बजाय आत्मा आलोचनात्मक के माध्यम से कैसे आता है वहीं पे वड़ा बड़ा वडकुपट्टी रामस्मी एक उदंड अविश्वासी धाम द्वारा अवेरित एक अनुसरण कहता है जो अपने ग्रामीणों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर एक देवता बनता है वही एक मंदिर बनाता है और फिर आध्यात्मिक व्यवसाय को पर ले जाता है और वही अपने गांव में एक प्रमुख इंसान बन जाता है वहीं पे हालांकि बड़ी ताकतें रामाशामी को फ्रस्ट करने की कोशिश करती है और वही परिणाम स्वरूप लड़ाई उनके सब कुछ खोने के समाप्त हो सकती है शायद उनकी नासिकता भी हालांकि इसका आधार ऐसा लगता है जैसे इसमें धर्म की धार्मिकता के बारे में पर्याप्त घटिया संदेश है जो आपकी आंखें घुमाते रहेंगे वही मूवी इतनी आश्वस्त है कि संदेशों के साथ या निचिक नाटकीय क्षणों को तक धकेलने के बजाय अपने केंद्रीय टॉपिक्स को धीरे धीरे विकसित होने देती है हालांकि आखिरी कुछ सीन्स में ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर कार्तिक योगी ने उपरोक्त सकारात्मकताओं पर एक बुलडोजर चला दिया है जिसमें पूरी तरह से बदलाव और बारीकियों और सुचमता की कमी है वही संतराम एक संयमित दृष्टिकोण अपनाता है वहीं पे पीछे की सीख लेता है और सपोर्टिंग कैरेक्टर को भारी काम करने देता है खासकर जब कॉमेडी सीन्स की बात आती है वहीं दूसरी ओर संतरा भी व्यावसायिक नायक की भूमिका में अपनी स्थिति का दावा करने की जल्दी में नहीं है हालांकि यहाँ कुछ सामान्य हीरो क्षण हैं जैसे यहाँ धीमी गति से चलना और वहाँ एक पंच संवाद ऐसा महसूस नहीं होता है कि सात हताशा के साथ स्टीयरिंग व्हील पकड़ रहा है भले ही वह निश्चित रूप से ड्राइवर की सीट पर बैठा हो वहीं पर सेसु मार रवि मारिया और आश्चर्यजनक हद तक नीजा लगल रबी सबसे ज्यादा हंसी लाते हैं वहीं पर यहाँ तक कि उन सीन्स में भी जो कहानी से बहुत दूर तक फैले हुए हैं और वही गति को खत्म कर देते हैं वहीं मेगा आकाश की काइल फीसी न केवल एक अच्छी तरह से लिखी गई एक फीमेल कैरेक्टर होने के कारण ताज़ा है जो कथानक को प्रस्तुत करती है और न केवल एक रोमांटिक रुचि रखती है बल्कि कई अंत या फिल्मों की तरह हमारे चेहरे पर चिल्लाने के लिए भी नहीं वही हालांकि ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने उसके कैरेक्टर को नष्ट के लिए उसी बुलडोजर का यूज किया है जिसका यूज उसने क्लाइमैक्स के लिए किया था वहीं पे एन में कायल विजी ने की योजनाओं को विफल करने के लिए खुद को एक मोहक महिला में बदल लिया वह कैरेक्टर में चेंज जो कहीं से भी आता है और अनाशक लगता है क्यों यह क्योंकि यह ना तो हास्य और ना ही नाटक प्रदान करता है वह इससे भी कोई मदद नहीं मिलती है कि मेगा आकाश कमज़ोर प्रदर्शन के साथ यकीनन एक अच्छी तरह से लिखे गए कैरेक्टर की एक सकारात्मक सकारात्ताओं का लाभ उठाने में विफल रहती है वहीं अंत तक कि ओ शारदा का कैरेक्टर डेवलप है क्योंकि वो अचानक इतना धर्मी बन जाता है कि अधिक से अधिक फलाई के लिए खुद को बलिदान कर सकता है वहीं ये भी किसी ठोस ट्रिगर द्वारा समर्थित नहीं है वही एम एस भास्कर एक अन्य पूर्व शराबी की भूमिका निभाते हैं जो विश्वास के महत्व के बारे में मूवी के केंद्रीय संदेश का मुख्य पात्र बनते हैं हालांकि उन्होंने एक दिलचस्प किरदार निभाया है एम एस फास्के जिसने और दोनों भूमिकाओं में अपनी उत्कृष्टता साबित की क्या बहुत उपयोग किया लगता है हालांकि पात्र पूरी तरह से संतोषजनक तौर से नहीं गुजर सकते हैं वर्णा कुराम स्वामी की सबसे बड़ी ताकत संदेह इसका लेखन है गति को बनाए रखने के लिए प्रत्येक कथा सूत्र दूसरे के प्रभावी ढंग से प्रभावित करता है वही इसके अलावा आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहानी कुछ मजाक के इर्द गिर्द लिखी गई हो वही हास्य अधिकांश भाग में काम करता है और यहाँ तक कि जो चुटकुले नहीं चल पाते वो भी समय है वह यहाँ तक कि सभी स्पष्ट खामियों के बावजूद और भले ही कहानी आपको मजबूत नहीं कहती है वट्टी राम स्वामी अभी भी आपको बीच कैरेक्टर से भरी अपनी रंगी की दुनिया में खींचती है और आपको कुछ हद तक हंसी के साथ जोड़ देती है तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए तो चलिए दोस्तों मिलते अगली वीडियो में वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं लेके आई वो वॉट अटी रामशामी मूवी जो हाल ही दो में रिलीज हुई है ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जो एक पीरियड कॉमेडी ड्रामा मूवी है मैं आज इस वीडियो में इस मूवी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी जैसे कि इस मूवी की बजट इस मूवी की रनिंग टाइम इस मूवी की लैंग्वेज किस लैंग्वेज में ये रिलीज हुई है वहीं पे इस मूवी की रिलीज डेट मूवी को किस कंपनी द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया है मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मूवी को किसने संगीत दिया है वहीं पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर एडिटर वहीं पे इस मूवी के पटकता को किसने लिखा है ये भी बताऊंगी साथ ही साथ इस मूवी के स्टार कास्ट मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर के बारे में बात करूंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वक्टी रामाशामी एक दो हजार चौबीस में रिलीज़ हुई इंडियन तमिल लैंग्वेज की पीरियड कॉमेडी ड्रामा मूवी है जो डिक्की लूना फेम्स कार्तिक योगी द्वारा लिखी गई और वहीं पे डायरेक्टेड की गई मूवी है और इसमें संतानाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है वहीं बात करूँ इस मूवी की स्टोरी की तो एक स्वार्थी धन दिमाग वाला के बाद अपने साथी ग्रामीणों के अंधविश्वासों का उपयोग करके अपना जीवन यापन करता है वहीं जब उसकी आय का प्रमुख स्रोत बंद हो जाता है तो वह मंदिर को फिर से खोलने के लिए कई तरीके आजमाता है वहीं बात करूँ इस मूवी की स्टार कास्ट के तो मूवी में सब संथानम रामास्वामी की भूमिका में है वही इस मूवी में मेगा आकाश डॉक्टर कयालिन वीजी के रूप में है वही एम एस भास्कर जी मुनुमी की भूमिका में है जॉन विजय जी इस मूवी में मुक्यान का नियान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वहीं रवि मारिया कलैया की भूमिका में है तहसीलदार जी इस मूवी में काति रेशम के रूप में है जो तमिज बदुर के हैं वही निजा लगल रवि मेजर चंद्रकांत के भूमिका में है राजेंद्र जी एक मुंडे के रूप में है वहीं पे रामा के दोस्त गुरुगेशन के भूमिका में इस मूवी में लोलू शबा मारन है वही कुलू कुल सुरेश के रूप में है पुजारी के रूप में इस मूवी में लोलू शबाशेशु शेषु है वही पे प्रसाद मुथु के भूमिका में है जो कल्याण का बेटा है वही जैकलीन लक्ष्मी मुकेन की बेटी की भूमिका में है गोपाल सिद्ध फैथियर के रूप में मूवी में स्वामीनाथन है वही मंदर रवि को तहसीलदार कपि नियुक्त किया गया वही रामाशामी की मां के रूप में मूवी में मनी मेघालय है वही ग्रामीण सरगुणम के रूप में थे मेरुगन है वही उदू मलाई रवि अस्पताल परिचारक के रूप में है वही नैस की भूमिका में नकलाईट सावित्री है वही मूवी का टाइटल उत्मा रासा 1993 के एक कॉमेडी सीन्स पर बेस्ड है जिसमें गौंडा मैनिक एक ऐसे इंसान से पूछता है जो मर गया है और वो व्यक्ति वडकू पट्टी रामाशामी के साथ जवाब देता है ये मूवी 1960 और वहीं पे 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है वही मूवी की शूटिंग तिरसठ दिनों के एक ही शेड्यूल में की गई थी वहीं ये फिल्म 2 फरवरी को 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और वहीं पे फिल्म के सैटेलाइट राइट्स कलकनार टीवी को बेचे गए थे वहीं साउंड ट्रैक साउंड रोल्डन द्वारा रचित था वहीं इस मूवी का गाना अबारक को दबारक को के बोल बम शंकर संक, जी ने लिखे वही इस गाने के गायक शांताराम शॉन रोल्डन है इस गाने की ड्यूरेशन थ्री पॉइंट थर्टी नाइन सेकेंड है वहीं इस मूवी का दूसरा गाना और उर्दू के बोल अरिव जी ने लिखे हैं वहीं पे इस गाने के गायक एंथोनी दासन है वहीं पे इस गाने की, की ड्यूरेशन थ्री पॉइंट थर्टी टू सेकेंड है वहीं सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने मूवी को पाँच में से स्टार स्टार रेटिंग दी और लिखा की सभी स्पष्ट के उजुद भले ही कहानी आपको मजबूर ना करे वनाकू पट्टी रामस्वामी अभी भी आपको बीच चित्र पात्रों से भरी अपनी रंगीन दुनिया में खींचती है और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ वहीं पे इस मूवी को टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आलोचक ने पाँच में से चार दो की स्टार रेटिंग दी वहीं एक बाई दो स्टार रेटिंग दी और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वह व रामास्मी पट्टी रामास्मी एक पुनः नाटकीय मूवी है जो आम ऑडियंस को हंसाने, रोने और निराश होने के लिए बनाई गई है इसके दो घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान वही इंडियन टुडे के एक आलोचक ने इस मूवी को रेटिंग देते हुए पाँच में से दो की स्टार रेटिंग दी और लिखा कि शांत धर्म की, की मूर्खतापूर्ण कॉमेडी इतनी मूर्खतापूर्ण है कि ये आपको ज़्यादातर अपना वक्त अपना सीज खुजलाने पर मजबूर कर देती है न्यूज टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि संक्षेप में मूवी ऑडियंस को कॉमेडी ड्रामा और अप्रत्याशित मोड़ का एक आनंददायक मिश्रण प्रदान करती है जो इसे हल्के फुल्के और वहीं मनोरंजक सिनेमाई अनुभव की तलाश करने वालों के लिए सार्थक घड़ी बन जाती है वहीं पे हम अक्सर हास्य कलाकारों को इस बारे में बात कहते हुए सुनते हैं कि कॉमेडी लिखना कितना कठिन है और जो कागज़ पर काम करता है ज़रूरी नहीं कि वो स्क्रीन पर भी काम करे वहीं पे पिछले लगभग एक दशक में हमने कई कॉमेडी फिल्में देखी है जो इसे दिल से लगा लेती है वही लिखने के किसी भी प्रयास को पूरी तरह से छोड़ देती है और हमें पीड़ित कर देती है वही पेना तेजातन जब गुणवत्तापूर्ण कॉमेडी की बात आती है तो तमिल सिनेमा लंबे वक्त से सूखे की स्थिति में है वाकू पर टी राम ने या तो जादू तोड़ दिया है या कम से कम उन्हें इससे फायदा हुआ है वही उसी तरह जैसे रेगिस्तान में फंसे किसी इंसान को एक गंदा तालाब हिमधारा जैसा दिखता है वहीं वे किसी भी तरह से यदि आप खामियों के बारे में बहुत अधिक है। सोचते हैं तो मूवी आपको एक आनंद शिकायत जैसा महसूस कराने के लिए पर्याप्त काम करती है वहीं पे हालांकि ये एक पुनः व्यंग नहीं है ये मूवी अंधविश्वास धार्मिक कटरता वही नकली अंधविश्वास जैसे टॉपिक्स पर मजाक उड़ाती है और इस पे कोविड के वर्षों पर एक बेटा कॉमेंट्री भी है हालांकि ये भूलना मुश्किल नहीं है कि व्यंग तर्क दृष्टिकोण के बजाय आत्मा आलोचनात्मक के माध्यम से कैसे आता है वहीं पे पर का बड़ा रामस्वामी एक उदंड अविश्वासी सर द्वारा अवीणित एक अनुसरण कहता है जो अपने ग्रामीणों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर एक देवता बनता है वही एक मंदिर बनाता है और फिर आध्यात्मिक व्यवसाय को पर ले जाता है और वही अपने गांव में एक प्रमुख इंसान बन जाता है वहीं पे हालांकि बड़ी ताकतें रामशावी को फ्रस्ट करने की कोशिश करती है और वही परिणाम स्वरूप लड़ाई उनके सब कुछ खोने के समाप्त हो सकती है शायद उनकी नासिकता भी हालांकि इसका आधार ऐसा लगता है जैसे इसमें धर्म की धार्मिकता के बारे में पर्याप्त खटिया संदेश है जो आपकी आंखें घुमाते रहेंगे वही मूवी इतनी आश्वस्त है कि संदेशों के साथ या दिश्छिक नाटकीय क्षणों को तक थकेले के बजाय अपने केंद्रीय टॉपिक्स को धीरे धीरे विकसित होने देती है हालांकि आखिरी कुछ सीन्स में ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर कार्तिक योगी ने उपरोक्त सकारात्मकताओं पर एक बुलडोजर चला दिया है जिसमें पूरी तरह से बदलाव और बारीकियों और सुचमता की कमी है वही संतराम एक संयमित दृष्टिकोण अपनाता है वहीं पे पीछे की सीट लेता है और सपोर्टिंग कैरेक्टर को भारी काम करने देता है खासकर जब कॉमेडी सीन्स की बात आती है वहीं दूसरी ओर साम्बी व्यावसायिक नायक की भूमिका में अपनी स्थिति का दावा करने की जल्दी में नहीं है हालांकि यहाँ कुछ सामान्य हीरो हैं जैसे यहाँ धीमी गति से चलना और वहाँ एक पंच संवाद ऐसा महसूस नहीं होता है कि सात हताशा के साथ स्टीयरिंग व्हील पकड़ रहा है भले ही वह निश्चित रूप से ड्राइवर की सीट पर बैठा हो वहीं पर से मार, रबी मारिया और आश्चर्यजनक हद तक नीजा लगल रबी सबसे ज्यादा हंसी लाते हैं वहीं पर यहाँ तक कि उन सीन्स में भी जो कहानी से बहुत दूर तक फैले हुए हैं और वही गति को खत्म कर देते हैं वहीं मेगा आकाश की काल विजी न केवल एक अच्छी तरह से लिखी गई एक फीमेल कैरेक्टर होने के कारण ताज़ा है जो कथानक को प्रस्तुत करती है और न केवल एक रोमांटिक रुचि रखती है बल्कि कई या फिल्मों की तरह हमारे चेहरे पर चिल्लाने के लिए भी नहीं वही हालांकि ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने उसके कैरेक्टर को नष्ट करने के लिए उसी बुलडोजर का यूज किया है जिसका यूज उसने क्लाइमैक्स के लिए किया था वहीं पे एन में कायल विजी ने की योजनाओं को बीफल करने के लिए खुद को एक मोहक महिला में बदल लिया वह कैरेक्टर एक चेंज जो कहीं से भी आता है और अनाशक लगता है क्यों यहाँ क्योंकि यह न तो हास्य और ना ही नाटक प्रदान करता है वह इससे भी कोई मदद नहीं मिलती है कि मेगा आकाश कमज़ोर प्रदर्शन के साथ यकीनन एक अच्छी तरह से लिखे गए कैरेक्टर की एक सकारात्मक सकारात्मकता का लाभ उठाने में विफल रहती है वहीं अंत तक कि ओ शारदा का कैरेक्टर डेवलप है क्योंकि वह अचानक इतना डर बन जाता है कि अधिक से अधिक फलाई के लिए खुद को बलिदान कर सकता है वही ये भी किसी ठोस ट्रिगर द्वारा समर्थित नहीं है वही एम एस भास्कर एक अन्य पूर्व शराबी की भूमिका निभाते हैं जो विश्वास के महत्व के बारे में मूवी के केंद्रीय संदेश का मुख्य पात्र बनते हैं हालांकि उन्होंने एक दिलचस्प किरदार निभाया है एव एस पास के जिसने हास्य और के दोनों भूमिकाओं में अपनी उत्कृष्टता साबित की क्या बहुत कम उपयोग किया लगता है हालांकि पात्र पूरी तरह से संतोषजनक तौर से नहीं गुजर सकते हैं वडा कुमार टी की सबसे बड़ी ताकत इसका लेकर है गति को बनाए रखने के लिए प्रत्येक कथा सूत्र दूसरे के प्रभावी ढंग से प्रभावित करता है वही इसके अलावा आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहानी कुछ मजाक के एक लिखी गई हो वही हास्य अधिकांश भाग में काम करता है और यहाँ तक कि जो चुटकुले नहीं चल पाते वो भी समय है यहाँ तक कि सभी स्पष्ट खामियों के बावजूद और भले ही कहानी आपको मजबूत नहीं कहती है मटुकूपट्टी राम स्वी अभी भी आपको विचित्र कैरेक्टर से भरी अपनी रंगी दुनिया में खींचती है और आपको कुछ हद तक हंसी के साथ जोड़ देती है तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए तो चलिए दोस्तों मिलते अगली वीडियो में वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं लेके आई अ वॉट अटी रामाशामी मूवी जो हाल ही दो में रिलीज हुई है ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जो एक पीरियड कॉमेडी ड्रामा मूवी है मैं आज इस वीडियो में इस मूवी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी जैसे कि इस मूवी की बजट इस मूवी की रनिंग टाइम इस मूवी की लैंग्वेज किस लैंग्वेज में ये रिलीज हुई है वहीं पे इस मूवी की रिलीज डेट मूवी को किस कंपनी द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया है मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मूवी को किसने संगीत दिया है वहीं पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर एडिटर वहीं पे इस मूवी के पटकथा को किसने लिखा है ये भी बताऊंगी साथ ही साथ इस मूवी के स्टार कास्ट मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर के बारे में बात करूंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वक्टी रामाशामी एक दो हजार चौबीस में रिलीज हुई इंडियन तमिल लैंग्वेज की पीरियड कॉमेडी ड्रामा मूवी है जो डिक्की लूना फेम्स कार्तिक योगी द्वारा लिखी गई और वहीं पे डायरेक्टेड की गई मूवी है और इसमें संतानाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है वहीं बात करूं इस मूवी की स्टोरी की तो एक स्वार्थी धन दिमाग वाला धोखेबाज अपने साथी ग्रामीणों के अंधविश्वासों का उपयोग करके अपना जीवन यापन करता है वहीं जब उसकी आय का प्रमुख स्रोत बंद हो जाता है तो वह मंदिर को फिर से खोलने के लिए कई तरीके आजमाता है वहीं बात करूँ इस मूवी की स्टार कास्ट के तो मूवी में सब संतानम राम स्वामी के भूमिका में है वही इस मूवी में मेगा आकाश डॉक्टर कयालिन विजी के रूप में है वही एम एस भास्कर जी मनुसामी की भूमिका में है जॉन विजय जी इस मूवी में मुक्यान का नियान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वही रवि मारिया कलैया की भूमिका में है तहसील इस मूवी में काती रेशन के है जो के है। वही के का के रूप में है जो तमिज बदुर के हैं, वही निजा रवि मेजर चंद्रकांत के भूमिका में है राजेंद्र जी एक बुंडे के रूप में है वहीं पे रामा के दोस्त गुरु के भूमिका में इस मूवी में लोलू शबा मारन है वही कुलू कुलसुरेशी धनरसू के रूप में है पुजारी के रूप में इस मूवी में लोलू शबा शेषु है वही पे प्रसाद मूथु के भूमिका में है जो कल्याण का बेटा है वही जैकलीन लक्ष्मी मुकेन की बेटी की भूमिका में है गोपाल सिद्ध फैथियर के रूप में मूवी में स्वामीनाथन है वही मंदर रवि को तहसीलदार कपि नियुक्त किया गया वही रामाशामी की मां के रूप में मूवी में मनी मेघालय है वही ग्रामीण सरगुणम के रूप में थे मेरुगन है वही उदू मलाई रवि अस्पताल परिचारक के रूप में है वही नैस की भूमिका में नकलाइट सावित्री है वही मूवी का टाइटल उत्मा रासा 1993 के एक कॉमेडी सीन्स पर बेस्ड है जिसमें गौंडा मैनिक एक ऐसे इंसान से पूछता है जो मर गया है और वो व्यक्ति वडकू पट्टी शामी के साथ जवाब देता है वो ये मूवी 1960 और वहीं पे 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है वही मूवी की शूटिंग तिरसठ दिनों के एक ही शेड्यूल में की गई थी वही ये फिल्म 2 फरवरी को को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और वहीं पे फिल्म के सैटेलाइट राइट्स कलेक्टर टीवी को बेचे गए थे वही साउंड ट्रैक साउंड रोल्डन द्वारा रचित था वहीं इस मूवी का गाना अबारक को दबारक को के बोल बक्म शह संक, शंकर जी ने लिखे हैं वहीं इस गाने के गायक सांताराम शॉन रोल्डन है वह इस गाने की ड्यूरेशन थ्री पॉइंट थर्टी नाइन सेकेंड है वहीं इस मूवी का दूसरा गाना पर उर्दू के बोल अरिव जी ने लिखे हैं वहीं पे इस गाने के गायक एंथोनी दासन है वहीं पे इस गाने की ड्यूरेशन थ्री पॉइंट थर्टी टू सेकेंड है वहीं सिनेमा एक्स प्रेस के एक आलोचक ने मूवी को पाँच में से स्टार तीन स्टार रेटिंग दी और लिखा कि सभी स्पष्ट खामियों के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूत ना करें वडकू पट्टी रामास्मी अभी भी आपको बीस चित्र पात्रों से भरी अपनी रंगीन दुनिया में खींचती है और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ वहीं पे इस मूवी को टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आलोचक ने पाँच में से चार दो की स्टार रेटिंग दी वहीं एक बाई दो स्टार रेटिंग दी और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वह पट्टी रामासामी व पट्टी रामासामी एक पुनः नाटकीय मूवी है जो आप ऑडियंस को हंसाने रोने और निराश होने के लिए बनाई गई है इसके दो घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान वहीं इंडिया टूडे के एक आलोचक ने इस मूवी को रेटिंग देते हुए पाँच में से दो की स्टार रेटिंग दी और लिखा कि शांत धर्म की, की मूर्खतापूर्ण कॉमेडी इतनी मूर्खतापूर्ण है कि ये आपको ज़्यादातर अपना वक्त अपना सीज खुजलाने पर मजबूर कर देती है न्यूज़ टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि संक्षेप में मूवी ऑडियंस को कॉमेडी ड्रामा और अप्रत्याशित मोड़ का एक आनंददायक मिश्रण प्रदान करती है जो इसे हल्के फुल्के और वहीं मनोरंजक सिनेमाई अनुभव की तलाश करने वालों के लिए सार्थक घड़ी बन जाती है वहीं पे हम अक्सर हास्य कलाकारों को इस बारे में बात कहते हुए सुनते हैं कि कॉमेडी लिखना कितना कठिन है और जो कागज़ पर काम करता है ज़रूरी नहीं कि वो स्क्रीन पर भी काम करे वहीं पे पिछले लगभग एक दशक में हमने कई कॉमेडी फिल्में देखी है जो इसे दिल से लगा लेती है वही लिखने के किसी भी प्रयास को पूरी तरह से छोड़ देती है और हमें पीड़ित कर देती है वही पेना तेजातन जब वक्ता गुणवत्तापूर्ण कॉमेडी की बात आती है तो तमिल सिनेमा लंबे वक्त से सूखे की स्थिति में है वाकू पर टी ने या तो जादू तोड़ दिया है या कम से कम उन्हें इससे फायदा हुआ है वही उसी तरह जैसे रेगिस्तान में फंसे किसी इंसान को एक गंदा तालाब हिमधारा जैसा दिखता है वहीं वे किसी भी तरह से यदि आप खामियों के बारे में बहुत अधिक है। सोचते हैं तो मूवी आपको एक आनंद शिकायत जैसा महसूस कराने के लिए पर्याप्त काम करती है वहीं पे हालांकि ये एक पुनर्व्यंग नहीं है ये मूवी अंधविश्वास धार्मिक कटरता वही नकली अंधविश्वास जैसे टॉपिक्स पर मजाक उड़ाती है और इस पे कोविड के वर्षों पर एक बेटा कॉमेंट्री भी है हालांकि ये भूलना मुश्किल नहीं है कि व्यंग तर्क दृष्टिकोण के बजाय आत्मा आलोचनात्मक के माध्यम से कैसे आता है वहीं पे वड़ा का बड़ा कुपट्टी एक उदंड अविश्वासी सरन द्वारा अवेरित एक अनुसरण कहता है जो अपने ग्रामीणों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर एक देवता बनता है वही एक मंदिर बनाता है और फिर आध्यात्मिक व्यवसाय को पर ले जाता है और वही अपने गांव में एक प्रमुख इंसान बन जाता है वहीं पे हालांकि बड़ी ताकतें रामाशामी को फ्रस्ट करने की कोशिश करती हैं और वही परिणाम स्वरूप लड़ाई उनके सब कुछ खोने के समाप्त हो सकती है शायद उनकी नासिकता भी हालांकि इसका आधार ऐसा लगता है जैसे इसमें धर्म की धार्मिकता के बारे में पर्याप्त खटिया संदेश है जो आपकी आंखें घुमाते रहेंगे वही मूवी इतनी आश्वस्त है कि संदेशों के साथ या दिच्छिक नाटकीय क्षणों को तक धकेलने के बजाय अपने केंद्रीय टॉपिक्स को धीरे धीरे विकसित होने देती है हालांकि आखिरी कुछ में ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर कार्तिक योगी ने उपरोक्त सकारात्मकताओं पर एक बुलडोजर चला दिया है जिसमें पूरी तरह से बदलाव और बारीकियों और सुचमता की कमी है वही संतराम एक संयमित दृष्टिकोण अपनाता है वहीं पे पीछे की सीट लेता है और सपोर्टिंग कैरेक्टर को भारी काम करने देता है खासकर जब कॉमेडी सीन्स की बात आती है वहीं दूसरी ओर संतरा भी व्यावसायिक नायक की भूमिका में अपनी स्थिति का दावा करने की जल्दी में नहीं है हालांकि यहाँ कुछ सामान्य हीरो जैसे यहाँ धीमी गति से चलना और वहाँ एक पंच संवाद ऐसा महसूस नहीं होता है कि तरफ हताशा के साथ स्टीयरिंग व्हील पकड़ रहा है भले ही वह निश्चित रूप से ड्राइवर की सीट पर बैठा हो वहीं पे से मार, रबी मारिया और आश्चर्यजनक हद तक लगल रबी सबसे ज्यादा हंसी लाते हैं वहीं पर यहाँ तक कि उन सीन्स में भी जो कहानी से बहुत दूर तक फैले हुए हैं और वही गति को खत्म कर देते हैं वहीं मेगा आकाश की काल विजी न केवल एक अच्छी तरह से लिखी गई एक फीमेल कैरेक्टर होने के कारण ताजा है जो कथानक को प्रस्तुत करती है और न केवल एक रोमांटिक रुचि रखती है बल्कि कई अंह या फों की तरह हमारे चेहरे पर चिल्लाने के लिए भी नहीं वही हालांकि ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने उसके कैरेक्टर को नष्ट के लिए उसी बुलडोजर का यूज किया है जिसका यूज उसने क्लाइमेक्स के लिए किया था वहीं पे एन में कायल विजी ने की योजनाओं को विफल करने के लिए खुद को एक मोहक महिला में बदल लिया वह कैरेक्टर में चेंज जो कहीं से भी आता है और अनाशक लगता है क्यों यहाँ क्योंकि यह ना तो हास्य और ना ही नाटक प्रदान करता है वह इससे भी कोई मदद नहीं मिलती है कि मेगा आकाश कमज़ोर प्रदर्शन के साथ यकीनन एक अच्छी तरह से लिखे गए कैरेक्टर की एक सकारात्मक सकारात्मकता का लाभ उठाने में विफल रहती है वही अंत तक की ओ शारथा का कैरेक्टर डेवलप है क्योंकि वो अचानक इतना धर्मी बन जाता है कि अधिक से अधिक फलाई के लिए खुद को बलिदान कर सकता है वहीं ये भी किसी ठोस ट्रिगर द्वारा संबंधित नहीं है वही एम एस भास्कर एक अन्य पूर्व शराबी की भूमिका निभाते हैं जो विश्वास के महत्व के बारे में मूवी के केंद्रीय संदेश का मुख्य पात्र बनते हैं हालांकि उन्होंने एक दिलचस्प किरदार निभाया है एव एस के जिसने हास्य और के दोनों भूमिकाओं में अपनी उत्कृष्टता साबित की क्या बहुत कम उपयोग किया लगता है हालांकि पात्र पूरी तरह से संतोषजनक तौर से नहीं गुजर सकते हैं वारणा कुराम स्वामी की सबसे बड़ी ताकती इसका लेखन है गति को बनाए रखने के लिए प्रत्येक कथा सूत्र दूसरे के प्रभावी ढंग से प्रभावित करता है वही इसके अलावा आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहानी कुछ मजाक के ईर्द गीत लिखी गई हो हास्य अधिकांश भाग में काम करता है और यहाँ तक कि जो चुटकुले नहीं चल पाते वो भी समय है वह यहाँ तक कि सभी स्पष्ट खामियों के बावजूद और भले ही कहानी आपको मजबूत नहीं कहती है बट रामा सा अभी भी आपको बीचित्र कैरेक्टर से भरी अपनी रंगी दुनिया में खींचती है और आपको कुछ हद तक हंसी के साथ जोड़ देती है तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए तो चलिए दोस्तों मिलते अगली वीडियो में बैक टू माय चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं लेके आई हूँ वोट कुमी मूवी जो हाल ही 2024 में रिलीज हुई है ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जो एक पीरियड कॉमेडी ड्रामा मूवी है मैं आज इस वीडियो में इस मूवी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी जैसे कि इस मूवी की बजट इस मूवी की रनिंग टाइम इस मूवी की लैंग्वेज किस लैंग्वेज में ये रिलीज हुई है वहीं पे इस मूवी की रिलीज डेट मूवी को किस कंपनी द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया है मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मूवी को किसने संगीत दिया है वहीं पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर एडिटर वहीं पे इस मूवी के पटकथा को किसने लिखा है ये भी बताऊंगी साथ ही साथ इस मूवी के स्टार कास्ट, मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर के बारे में बात करूंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वर्डक्कूपट्टी रामाशामी एक दो चौबीस में रिलीज़ हुई इंडियन तमिल लैंग्वेज की पीरियड कॉमेडी ड्रामा मूवी है जो डी लूना फेम्स कार्तिक योगी द्वारा लिखी गई और वहीं पे डायरेक्टेड की गई मूवी है और इसमें संतानाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है वहीं बात करूँ इस मूवी की स्टोरी की तो एक स्वार्थी धन दिमाग वाला धो के बाद अपने साथी ग्रामीणों के अंधविश्वासों का उपयोग करके अपना जीवन यापन करता है वहीं जब उसकी आय का प्रमुख स्रोत बंद हो जाता है तो वह मंदिर को फिर से खोलने के लिए कई तरीके आजमाता है वहीं बात करूँ इस मूवी की स्टार कास्ट के तो मूवी में संथनम रामस्वामी के भूमिका में है वही इस मूवी में मेगा आकाश डॉक्टर कयालिन वीजी के रूप में है वहीं एम एस भास्कर जी मोनू की भूमिका में है जॉन विजय जिस इस मूवी में मुक्यान का नियान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वहीं रवि मारिया कलैया की भूमिका में है तहसीलदार जी इस मूवी में काती रेशन के रूप में है जो तमिज बुद्धुर के हैं वही डीजा लगल रवि मेजर चंद्रकांत के भूमिका में है राजेंद्र जी एक मुंडे के रूप में है वहीं पे रामा के दोस्त गुरु गेशन के भूमिका में इस मूवी में लोलू शबा मारन है वही कुलू कुल सुरेश के रूप में है पुजारी के रूप में इस मूवी में लोलू शबा शेषु है वहीं पे प्रसाद मूठू भूमिका में है जो कल्याण का बेटा है वही जैकलीन लक्ष्मी मुकेन की बेटी की भूमिका में है गोपाल सिद्ध फैथियर के रूप में मूवी में स्वामीनाथन है वही मंदर रवि को तहसीलदार कपी ए नियुक्त किया गया वही रामास्मी की मां के रूप में मूवी में मनी मेघालय है वही ग्रामीण सरगुणम के रूप में थे मेरुगन है वही उदू मलाई रवि अस्पताल परिचारक के रूप में है वही नैस की भूमिका में नकलाइट सावित्री है वही मूवी का टाइटल उत्मा रासा 1993 के एक कॉमेडी सीन्स पर बेस्ड है जिसमें गौंडा मैनिक एक ऐसे इंसान से पूछता है जो मर गया है और वो व्यक्ति वडकू पट्टी शामी के साथ जवाब देता है वो ये मूवी 1960 और वहीं पे 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है वही मूवी की शूटिंग तिरसठ दिनों के एक ही शेड्यूल में की गई थी वही ये फिल्म 2 फरवरी को 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और वहीं पे फिल्म के सैटेलाइट राइट्स कलकनार टीवी को बेचे गए थे वही साउंड ट्रैक साउंड रोल्डन द्वारा रचित था वहीं इस मूवी का गाना अबारक को दबारक के बोल बक्म शह संक, शंकर जी ने लिखे हैं वहीं इस गाने के गायक सांताराम शॉन रोल्डन है वह इस गाने की ड्यूरेशन थ्री पॉइंट थर्टी नाइन सेकेंड है वहीं इस मूवी का दूसरा गाना पर उर्दू के बोल अरिवु जी ने लिखे हैं वहीं पे इस गाने के गायक एंथोनी दासन है वहीं पे इस गाने की ड्यूरेशन थ्री पॉइंट थर्टी टू सेकेंड है वहीं सिनेमा एक्स प्रेस के एक आलोचक ने मूवी को पाँच में से स्टार तीन स्टार रेटिंग दी और लिखा कि सभी स्पष्ट खामियों के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूत ना करे, वडाकू पट्टी रामास्मी अभी भी आपको बी चित्र पात्रों से भरी अपनी रंगीन दुनिया में खींचती है और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ वहीं पे इस मूवी को टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आलोचक ने पाँच में से चार दो की स्टार रेटिंग दी वहीं एक बाई दो स्टार रेटिंग दी और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वह डकूपट्टी रामासामी व डकूपट्टी एक पुनः नाटकीय मूवी है जो आप ऑडियंस को हंसाने, रोने और निराश होने के लिए बनाई गई है इसके दो घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान वही इंडिया टुडे के एक आलोचक ने इस मूवी को रेटिंग देते हुए पाँच में से दो की स्टार रेटिंग दी और लिखा कि शांत धर्म की, की मूर्खतापूर्ण कॉमेडी इतनी मूर्खतापूर्ण है कि ये आपको ज़्यादातर अपना वक्त अपना सीज खुजलाने पर मजबूर कर देती है न्यूज टूडे के एक आलोचक ने लिखा है कि संक्षेप में मूवी ऑडियंस को कॉमेडी ड्रामा और अप्रत्याशित मोड़ का एक आनंददायक मिश्रण प्रदान करती है जो इसे हल्के फुल्के और वहीं मनोरंजक सिनेमाई अनुभव की तलाश करने वालों के लिए सार्थक घड़ी बन जाती है वहीं पे हम अक्सर हास्य कलाकारों को इस बारे में बात कहते हुए सुनते हैं कि कॉमेडी लिखना कितना कठिन है और जो कागज़ पर काम करता है ज़रूरी नहीं कि वो स्क्रीन पर भी काम करे वहीं पे पिछले लगभग एक दशक में हमने कई कॉमेडी फिल्में देखी है जो इसे दिल से लगा लेती है वही लिखने किसी भी प्रयास को पूरी तरह से छोड़ देती है और हमें पीड़ित कर देती है वही पेना तेजातन जब गुणवत्तापूर्ण कॉमेडी की बात आती है तो तमिल सिनेमा लंबे वक्त से सूखे की स्थिति में है वाकू पर टी ने या तो जादू तोड़ दिया है या कम से कम उन्हें इससे फायदा हुआ है वही उसी तरह जैसे रेगिस्तान में फंसे किसी इंसान को एक गंदा तालाब हिमधारा जैसा दिखता है वहीं वे किसी भी तरह से यदि आप खामियों के बारे में बहुत अधिक है। सोचते हैं तो मूवी आपको एक आनंद शिकायत जैसा महसूस कराने के लिए पर्याप्त काम करती है वहीं पे हालांकि ये एक पुनः व्यंग नहीं है ये मूवी अंधविश्वास धार्मिक कटरता वही नकली अंधविश्वास जैसे टॉपिक्स पर मजाक उड़ाती है और इस पे कोविड के वर्षों पर एक बेटा कॉमेंट्री भी है हालांकि ये भूलना मुश्किल नहीं है कि व्यंग तर्क दृष्टिकोण के बजाय आत्मा आलोचनात्मक के माध्यम से कैसे आता है वहीं पे वड़ा का वकुपट्टी रामस्वामी एक उदंड अविश्वासी सरन द्वारा अभिनित एक अनुसरण कहता है जो अपने ग्रामीणों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर एक देवता बनता है वही एक मंदिर बनाता है और फिर आध्यात्मिक व्यवसाय को पर ले जाता है और वही अपने गांव में एक प्रमुख इंसान बन जाता है वहीं पे हालांकि बड़ी ताकतें रामशावी को फ्रस्ट करने की कोशिश करती हैं और वही परिणाम स्वरूप लड़ाई उनके सब कुछ खोने के समाप्त हो सकती है शायद उनकी नासिकता भी हालांकि इसका आधार ऐसा लगता है जैसे इसमें धर्म की धार्मिकता के बारे में पर्याप्त खटिया संदेश है जो आपकी आंखें घुमाते रहेंगे वही मूवी इतने आश्वस्त है कि संदेशों के साथ या दिच्छिक नाटकीय क्षणों को धकेलने तक, के बजाय अपने केंद्रीय टॉपिक्स को धीरे धीरे विकसित होने देती है हालांकि आखिरी कुछ सीस में ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर कार्तिक योगी ने उपरोक्ता सकारात्मकताओं पर एक बुलडोजर चला दिया है जिसमें पूरी तरह से बदलाव और बारीकियों और सुचमता की कमी है वही संतराम एक संयमित दृष्टिकोण अपनाता है वहीं पे पीछे की सीट लेता है और सपोर्टिंग कैरेक्टर को भारी काम करने देता है खासकर जब कॉमेडी सीन्स की बात आती है वहीं दूसरी ओर भी व्यावसायिक नायक के भूमिका में अपनी स्थिति का दावा करने की जल्दी में नहीं है हालांकि यहां कुछ सामान्य हीरो क्षण हैं जैसे यहां धीमी गति से चलना और वहां एक पंच संवाद ऐसा महसूस नहीं होता है कि सरतर हताशा के साथ स्टीयरिंग व्हील पकड़ रहा है भले ही वह निश्चित रूप से ड्राइवर की सीट पर बैठा हो वहीं सेसु से मार, रबी मारिया और आश्चर्यजनक हद तक डी लगल रबी सबसे ज्यादा हसी लाते हैं वहीं पर यहाँ तक कि उन सीन्स में भी जो कहानी से बहुत दूर तक फैले हुए हैं और वही गति को खत्म कर देते हैं वहीं मेगा आकाश की काल फीसी न केवल एक अच्छी तरह से लिखी गई एक फीमेल कैरेक्टर होने के कारण ताजा है जो कथानक को प्रस्तुत करती है और न केवल एक रोमांटिक रुचि रखती है बल्कि कई अंह या फों की तरह हमारे चेहरे पर चिल्लाने के लिए भी नहीं वही हालांकि ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने उसके कैरेक्टर को नष्ट के लिए उसी बुलडोजर का यूज किया है जिसका यूज उसने क्लाइमेक्स के लिए किया था वहीं पे एन में कायल विजी ने की योजनाओं को विफल करने के लिए खुद को एक मोहक महिला में बदल लिया वह कैरेक्टर एक चेंज जो कहीं से भी आता है और अनाशक लगता है क्यों यहाँ क्योंकि यह ना तो हास्य और ना ही नाटक प्रदान करता है वह इससे भी कोई मदद नहीं मिलती है कि मेगा आकाश कमज़ोर प्रदर्शन के साथ यकीन एक अच्छी तरह से लिखे गए कैरेक्टर की एक सकारात्मक सकारात्मकता का लग ला, लाभ उठाने में विफल रहती है वही अंत तक की ओ शारथा का कैरेक्टर डेवलप है क्योंकि वो अचानक इतना धर्मी बन जाता है कि अधिक से अधिक फलाई के लिए खुद को बलिदान कर सकता है वहीं ये भी किसी ठोस ट्रिगर द्वारा संबंधित नहीं है वही एम एस भास्कर एक अन्य पूर्व शराबी की भूमिका निभाते हैं जो विश्वास के महत्व के बारे में मूवी के केंद्रीय संदेश का मुख्य पात्र बनते हैं हालांकि उन्होंने एक दिलचस्प किरदार निभाया है एम एस फास्के जिसने हास्य और के दोनों भूमिकाओं में अपनी उत्कृष्टता साबित की क्या बहुत कम उपयोग किया लगता है हालांकि पात्र पूरी तरह से संतोषजनक तौर से नहीं गुजर सकते हैं वडा कुमार टी की सबसे बड़ी ताकत इसका लेखन है गति को बनाए रखने के लिए प्रत्येक कथा सूत्र दूसरे के प्रभावी ढंग से प्रभावित करता है वही इसके अलावा आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहानी कुछ मजाक के ईर्द गीत लिखी गई हो वही हास्य अधिकांश भाग में काम करता है और यहाँ तक कि जो चुटकुले नहीं चल पाते वो भी समय है वह यहाँ तक कि सभी स्पष्ट खामियों के बावजूद और भले ही कहानी आपको मजबूत नहीं कहती है बट पट्टी राम अभी भी आपको बीच कैरेक्टर से भरी अपनी रंगी दुनिया में खींचती है और आपको कुछ हद तक हंसी के साथ जोड़ देती है तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए तो चलिए दोस्तों मिलते अगली वीडियो में वेलकम वे तो बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं लेके आई वो वट अटी राम शामी मूवी जो हाल ही दो में रिलीज हुई है ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जो एक पीरियड कॉमेडी ड्रामा मूवी है मैं आज इस वीडियो में इस मूवी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी जैसे कि इस मूवी की बजट इस मूवी की रनिंग टाइम इस मूवी की लैंग्वेज किस लैंग्वेज में ये रिलीज हुई है वहीं पे इस मूवी की रिलीज डेट मूवी को किस कंपनी द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया है मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मूवी को किसने संगीत दिया है वहीं पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर एडिटर वहीं पे इस मूवी के पटकथा को किसने लिखा है ये भी बताऊंगी साथ ही साथ इस मूवी के स्टार कास्ट मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर के बारे में बात करूंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वर्णक्कूपट्टी रामाशामी एक दो हज़ार चौबीस में रिलीज हुई इंडियन तमिल लैंग्वेज की पीरियड कॉमेडी ड्रामा मूवी है जो डिक्की लूना फेम कार्तिक योगी द्वारा लिखी गई और वहीं पे डायरेक्टेड की गई मूवी है और इसमें संतानाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है वहीं बात करूँ इस मूवी की स्टोरी की तो एक स्वार्थी धन दिमाग वाला धो के बाद अपने साथी ग्रामीणों के अंधविश्वासों का उपयोग करके अपना जीवन यापन करता है वहीं जब उसकी आय का प्रमुख स्रोत बंद हो जाता है तो वह मंदिर को फिर से खोलने के लिए कई तरीके आजमाता है वहीं बात करूँ इस मूवी की स्टार कास्ट के तो मूवी में सब संथानम रामास्वामी के भूमिका में है वही इस मूवी में मेगा आकाश डॉक्टर कयाल विजी के रूप में है वहीं एम एस भास्कर जी मुनुमी की भूमिका में है जॉन विजय जी इस मूवी में मुकेान का नियान मुके का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वहीं रवि मारिया कलैया की भूमिका में है तहसीलदार जी इस मूवी में कातिरेशन के रूप का में है जो तमिज बदुर के हैं वही निजा लयगल रवि मेजर चंद्रकांत के भूमिका में है राजेंद्रन जी एक मुंडे के रूप में है वहीं पे रामा के दोस्त मुरुगेशन के भूमिका में इस मूवी में लोलू शबा मारन है वही कुलू कुल सुरेश के रूप में है जारी के रूप में इस मूवी में लोलू शमा शेषु है वही पे प्रसाद मुथु के भूमिका में है जो कल्याण का बेटा है वही जैकलीन लक्ष्मी मुकेन की बेटी की भूमिका में है गोपाल सिद्ध फैथियर के रूप में मूवी में स्वामीनाथन है वही मंदर रवि को तहसीलदार कपी नियुक्त किया गया वही रामाशामी की मां के रूप में मूवी में मन्नी मेघालय है वही ग्रामीण सरगुणम के रूप में थे मेरुगन है वही उदू मलाई रवि अस्पताल परिचारक के रूप में है वही न्यास की भूमिका में नकलाइट सावित्री है वही मूवी का टाइटल उत्मा रासा 1993 के एक कॉमेडी सीन्स पर बेस्ड है जिसमें गौंडा मैनिक एक ऐसे इंसान से पूछता है जो मर गया है और वो व्यक्ति वडकू पट्टी शामी के साथ जवाब देता है वो ये मूवी 1960 और वहीं पे 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है वही मूवी की शूटिंग तिरसठ दिनों के एक ही शेड्यूल में की गई थी वहीं ये फिल्म 2 फरवरी को 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और वहीं पे फिल्म के सैटेलाइट राइट्स कलंकनार टीवी को बेचे गए थे वहीं साउंड ट्रैक साउंड रोल्डन द्वारा रचित था वहीं इस मूवी का गाना अबारक को दबारक को के बोल बकियम शह संक, शंकर जी ने लिखे है इस गाने के गायक सांथाराम शॉन रोल्डन है इस गाने की ड्यूरेशन थ्री पॉइंट थर्टी नाइन सेकेंड है वहीं इस मूवी का दूसरा गाना पर उर्दू के बोल अरिव जी ने लिखे हैं वहीं पे इस गाने के गायक एंथोनी दासन है वहीं पे इस गाने की, की ड्यूरेशन थ्री पॉइंट थर्टी टू सेकेंड है वहीं सिनेमा एक्सप्रेस के एक आलोचक ने मूवी को पाँच में से स्टार तीन स्टार रेटिंग दी और लिखा कि सभी स्पष्ट खामियों के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूत ना करे वर्णक पट्टी रामस्वामी अभी भी आपको बीच चित्र पात्रों से भरी अपनी रंगीन दुनिया में खींचती है और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ वहीं पे इस मूवी को टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आलोचक ने पाँच में से चार दो की स्टार रेटिंग दी वहीं एक बाई दो स्टार रेटिंग दी और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वह पट्टी रामासामी व डकूपट्टी रामासामी एक पुनः नाटकीय मूवी है जो आप ऑडियंस को हंसाने रोने और निराश होने के लिए बनाई गई है इसके दो घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान वही इंडिया टुडे के एक आलोचक ने इस मूवी को रेटिंग देते हुए पाँच में से दो की स्टार रेटिंग दी और लिखा कि इस धर्म की, की मूर्खतापूर्ण कॉमेडी इतनी मूर्खतापूर्ण है कि ये आपको ज़्यादातर अपना वक्त अपना सीज खुजलाने पर मजबूर कर देती है न्यूज़ टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि संक्षेप में मूवी ऑडियंस को कॉमेडी ड्रामा और अप्रत्याशित मोड़ का एक आनंददायक मिश्रण प्रदान करती है जो इसे हल्के फुल्के और वहीं मनोरंजक सिनेमाई अनुभव की तलाश करने वालों के लिए सार्थक घड़ी बन जाती है वहीं पे हम अक्सर हास्य कलाकारों को इस बारे में बात कहते हुए सुनते हैं कि कॉमेडी लिखना कितना कठिन है और जो कागज़ पर काम करता है ज़रूरी नहीं कि वो स्क्रीन पर भी काम करे वहीं पे पिछले लगभग एक दशक में हमने कई कॉमेडी फिल्में देखी है जो इसे दिल से लगा लेती है वही लिखने के कि किसी भी प्रयास को पूरी तरह से छोड़ देती है और हमें पीड़ित कर देती है वही पेना तेजातन जब गुणवत्तापूर्ण कॉमेडी की बात आती है तो तमिल सिनेमा लंबे वक्त से सूखे की स्थिति में है वाकू पर टी राम ने या तो जादू तोड़ दिया है या कम से कम उन्हें इससे फायदा हुआ है वही उसी तरह जैसे रेगिस्तान में फंसे किसी इंसान को एक गंदा तालाब हिमधारा जैसा दिखता है वहीं वे किसी भी तरह से यदि आप खामियों के बारे में बहुत अधिक है। सोचते हैं तो मूवी आपको एक आनंदायित शिकायत जैसा महसूस कराने के लिए पर्याप्त काम करती है वहीं पे हालांकि ये एक पुनः व्यंग नहीं है ये मूवी अंधविश्वास धार्मिक कटाता फहीना बाबा अंधविश्वास जैसे टॉपिक्स पर मजाक उड़ाती है और इस पे कोविड के वर्षों पर एक बेटा कमेंट्री भी है वही हालांकि ये भूलना मुश्किल नहीं है कि व्यंग तर्कसंगत दृष्टिकोण के बजाय आत्मा आलोचकत्व अस्त के लेंस के माध्यम से कैसे आता है वहीं पे वड़ा का वकुपट्टी रामस्वामी एक उदंड अविश्वासी सरनधाम द्वारा अवीन एक अनुसरण कहता है जो अपने ग्रामीणों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर एक देवता बनता है वही एक मंदिर बनाता है और फिर आध्यात्मिक व्यवसाय को पर ले जाता है और वही अपने गांव में एक प्रमुख इंसान बन जाता है वहीं पे हालांकि बड़ी ताकतें रावशाही को भ्रष्ट करने की कोशिश करती हैं और वही परिणाम स्वरूप लड़ाई उनके सब कुछ खोने के समाप्त हो सकती है शायद उनकी नासिकता भी हालांकि इसका आधार ऐसा लगता है जैसे इसमें धर्म की धार्मिकता के बारे में पर्याप्त खटिया संदेश है जो आपकी आंखें घुमाते रहेंगे वही मूवी इतनी आश्वस्त है कि संदेशों के साथ या दिच्छिक नाटकीय क्षणों को तक धकेलने के बजाय अपने केंद्रीय टॉपिक्स को धीरे धीरे विकसित होने देती है हालांकि आखिरी कुछ सीन्स में ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर कार्तिक योगी ने उपरोक्त सकारात्मकताओं पर एक बुलडोजर चला दिया है जिसमें पूरी तरह से बदलाव और बारीकियों और सुचमता की कमी है वही संतराम एक संयमित दृष्टिकोण अपनाता है वहीं पे पीछे की सीट लेता है और सपोर्टिंग कैरेक्टर को भारी काम करने देता है खासकर जब कॉमेडी सीन्स की बात आती है वहीं दूसरी ओर सन्थराम भी व्यावसायिक नायक की भूमिका में अपनी स्थिति का दावा करने की जल्दी में नहीं है हालांकि यहाँ कुछ सामान्य हीरो क्षण हैं जैसे यहाँ धीमी गति से चलना और वहाँ एक पंच संवाद ऐसा महसूस नहीं होता है कि सरतर हताशा के साथ स्टीयरिंग व्हील पकड़ रहा है भले ही वह निश्चित रूप से ड्राइवर की सीट पर बैठा हो वहीं पर से मारिया और आश्चर्यजनक हद तक डी जागल रबी सबसे ज्यादा हसी लाते हैं वहीं पर यहाँ तक कि उन सीन्स में भी जो कहानी से बहुत दूर तक फैले हुए हैं और वही गति को ख़त्म कर देते हैं वहीं मेगा आकाश की कायल फीसी न केवल एक अच्छी तरह से लिखी गई एक फीमेल कैरेक्टर होने के कारण ताजा है जो कथानक को प्रस्तुत करती है और न केवल एक रोमांटिक रुचि रखती है बल्कि कई अंत फिल्मों की तरह हमारे चेहरे पर चिल्लाने के लिए भी नहीं वही हालांकि ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने उसके कैरेक्टर को नष्ट करने के लिए उसी बुलडोजर का यूज किया है जिसका यूज उसने क्लाइमैक्स के लिए किया था वहीं पे एन में कायल विजी ने की योजनाओं को विफल करने के लिए खुद को एक मोहक महिला में बदल लिया। वह कैरेक्टर चेंज जो कहीं से भी आता है और अनाशक लगता है क्यों यहाँ क्योंकि यह ना तो हास्य और ना ही नाटक प्रदान करता है वह इससे भी कोई मदद नहीं मिलती है कि मेगा आकाश कमजोर प्रदर्शन के साथ यकीनन एक अच्छी तरह से लिखे गए कैरेक्टर की एक सकारात्म सकारता का लाभ उठाने में विफल रहती है वहीं अंत तक की ओ शारदा का कैरेक्टर डेवलप है क्योंकि वह अचानक इतना धर्म बन जाता है कि अधिक से अधिक फलाई के लिए खुद को बलिदार कह सकता है वही ये भी किसी ठोस ट्रिगर द्वारा समर्थित नहीं है वही एम एस भास्कर एक अन्य पूर्व शराबी की भूमिका निभाते हैं जो विश्वास के महत्व के बारे में मूवी के केंद्रीय संदेश का मुख्य पात्र बनते हैं हालांकि उन्होंने एक दिलचस्प किरदार निभाया है एम एस पास के जिसने हास्य और के दोनों भूमिकाओं में अपनी उत्कृष्टता साबित की क्या बहुत कम उपयोग किया लगता है हालांकि पात्र पूरी तरह से संतोषजनक तौर से नहीं गुजर सकते हैं वर्णा कुटी राम की सबसे बड़ी ताकत इसका लेकर थे गति को बनाए रखने के लिए प्रत्येक कथा सूत्र दूसरे के प्रभावी ढंग से प्रभावित करता है वही इसके अलावा आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहानी कुछ मजाक के लिखी गई हो वही अधिकांश भाग में काम करता है और यहाँ तक कि जो चुटकुले नहीं चल पाते वो भी समय है यहाँ तक कि सभी स्पष्ट खाबियों के बावजूद और भले ही कहानी आपको मजबूत ही कहती है बट पट्टी रामा अभी भी आपको बीच कैरेक्टर से भरी अपनी रंगी दुनिया में खींचती है और आपको कुछ हद तक हंसी के साथ जोड़ देती है तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए तो चलिए दोस्तों मिलते अगली वीडियो में वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं लेके आई हूँ वट अटी राम शामी मूवी जो हाल ही दो में रिलीज हुई है ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जो एक पीरियड कॉमेडी ड्रामा मूवी है मैं आज इस वीडियो में इस मूवी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी जैसे कि इस मूवी की बजट इस मूवी की रनिंग टाइम इस मूवी की लैंग्वेज किस लैंग्वेज में ये रिलीज हुई है वहीं पे इस मूवी की रिलीज डेट मूवी को किस कंपनी द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया है मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मूवी को किसने संगीत दिया है वहीं पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर एडिटर वहीं पे इस मूवी के पटकथा को किसने लिखा है ये भी बताऊंगी साथ ही साथ इस मूवी के स्टार कास्ट मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर के बारे में बात करूंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वर्डक्कूपट्टी रामाशामी एक दो हजार चौबीस में रिलीज़ हुई इंडियन तमिल लैंग्वेज की पीरियड कॉमेडी ड्रामा मूवी है जो डिकी लूना फेम्स कार्तिक योगी द्वारा लिखी गई और वहीं पे डायरेक्टेड की गई मूवी है और इसमें संतानाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है वहीं बात करूँ इस मूवी की स्टोरी की तो एक स्वार्थी धन दिमाग वाला धो के बाद अपने साथी ग्रामीणों के अंधविश्वासों का उपयोग करके अपना जीवन यापन करता है वहीं जब उसकी आय का प्रमुख स्रोत बंद हो जाता है तो वह मंदिर को फिर से खोलने के लिए कई तरीके आजमाता है वहीं बात करूँ इस मूवी की स्टार कास्ट के तो मूवी में सब संथानम रामास्वामी की भूमिका में है वही इस मूवी में मेगा आकाश डॉक्टर कयाल विजी के रूप में है वहीं एम एस भास्कर जी मुनुमी की भूमिका में है जॉन विजय जी इस मूवी में मुकेान का नियान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वही रवि मारिया कलैया की भूमिका में है तहसीलदार जी इस मूवी में कति के रूप में है जो तमेश बदुर के हैं वहीं निजा लयगल रवि मेजर चंद्रकांत के भूमिका में है राजेंद्र जी एक कुंडे के रूप में है वहीं पे रामा के दोस्त मुरुगेशन के भूमिका में इस मूवी में लोलू शबा मारन है वही कुलू कुल सुरेश के रूप में है जारी के रूप में इस मूवी में लोलू शबा शेषु है वहीं पे प्रसाद मूठू के भूमिका में है जो कल्याण का बेटा है वही जैकलीन लक्ष्मी मुकेन की बेटी की भूमिका में है गोपाल सिद्ध फैथियर के रूप में मूवी में स्वामीनाथन है वही मंदर रवि को तहसीलदार कपी ए नियुक्त किया गया वही रामाशामी की मां के रूप में मूवी में मनी मेघालय है वही ग्रामीण सरगुणम के रूप में थेनी मेरुगन है वही उदू मलाई रवि अस्पताल परिचारक के रूप में है वही नैस की भूमिका में नकलाइट सावित्री है वही मूवी का टाइटल उत्मा रासा 1993 के एक कॉमेडी सीन्स पर बेस्ड है जिसमें गौंडा मैनिक एक ऐसे इंसान से पूछता है जो मर गया है और वो व्यक्ति वडकू पट्टी शामी के साथ जवाब देता है वो ये मूवी 1960 और वहीं पे 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है वही मूवी की शूटिंग तिरसठ दिनों के एक ही शेड्यूल में की गई थी वही ये फिल्म दो फरवरी को 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और वहीं पे फिल्म के सैटेलाइट राइट्स कलंकनार टीवी को बेचे गए थे वही साउंड ट्रैक साउंड रोल्डन द्वारा रचित था वहीं इस मूवी का गाना अबारक को दबारक को के बोल बाकी शाह संक, शंकर जी ने लिखे हैं वहीं इस गाने के गायक नाम शॉन रोल्डन है वह इस गाने की ड्यूरेशन थ्री पॉइंट थर्टी नाइन सेकेंड है वहीं इस मूवी का दूसरा गाना पर उर्दू के बोल अरिव जी ने लिखे हैं वहीं पे इस गाने के गायक एंथोनी दासन है वहीं पे इस गाने की ड्यूरेशन थ्री पॉइंट थर्टी टू सेकेंड है वहीं सिनेमा एक्स प्रेस के एक आलोचक ने मूवी को पाँच में से स्टार तीन स्टार रेटिंग दी और लिखा कि सभी स्पष्ट खामियों के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूत ना करे वनकू पट्टी रामस्वामी अभी भी आपको बीच चित्र पात्रों से भरी अपनी रंगीन दुनिया में खींचती है और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ वहीं पे इस मूवी को टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आलोचक ने पाँच में से चार दो की स्टार रेटिंग दी वहीं एक बाई दो स्टार रेटिंग दी और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वह पट्टी रामासामी व पट्टी रामास्मी एक पुनः नाटकीय मूवी है जो आम ऑडियंस को हंसाने रोने और निराश होने के लिए बनाई गई है इसके दो घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान वही इंडिया टुडे के एक आलोचक ने इस मूवी को रेटिंग देते हुए पाँच में से दो की स्टार रेटिंग दी और लिखा कि शांत रंग की, की मूर्खतापूर्ण कॉमेडी इतनी मूर्खतापूर्ण है कि ये आपको ज़्यादातर अपना वक्त अपना सीज खुजलाने पर मजबूर कर देती है न्यूज़ टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि संक्षेप में मूवी ऑडियंस को कॉमेडी ड्रामा और अप्रत्याशित मोड़ का एक आनंददायक मिश्रण प्रदान करती है जो इसे हल्के फुल्के और वहीं मनोरंजक सिनेमाई अनुभव की तलाश करने वालों के लिए सार्थक घड़ी बन जाती है वहीं पे हम अक्सर हास्य कलाकारों को इस बारे में बात कहते हुए सुनते हैं कि कॉमेडी लिखना कितना कठिन है और जो कागज़ पर काम करता है ज़रूरी नहीं कि वो स्क्रीन पर भी काम करे वहीं पे पिछले लगभग एक दशक में हमने कई कॉमेडी फिल्में देखी है जो इसे दिल से लगा लेती है वही लिखने के कि किसी भी प्रयास को पूरी तरह से छोड़ देती है और हमें पीड़ित कर देती है वही पेना तीसातन जब गुणवत्तापूर्ण कॉमेडी की बात आती है तो तमिल सिनेमा लंबे वक्त से सूखे की स्थिति में है वाकू पर टी रामी ने या तो जादू तोड़ दिया है या कम से कम उन्हें इससे फायदा हुआ है वही उसी तरह जैसे रेगिस्तान में फंसे किसी इंसान को एक गंदा तालाब हिमधारा जैसा दिखता है वहीं में किसी भी तरह से यदि आप खामियों के बारे में बहुत अधिक है। सोचते हैं तो मूवी आपको एक आनंददायित शिकायत जैसा महसूस कराने के लिए पर्याप्त काम करती है वहीं पे हालांकि ये एक पुनः व्यंग नहीं है ये मूवी अंधविश्वास धार्मिक जैसे टॉपिक्स पर मजाक उड़ाती है और इस पे कोविड के वर्षों पर एक बेटा कमेंट्री भी है हालांकि ये भूलना मुश्किल नहीं है कि व्यंग तर्क दृष्टिकोण के बजाय आत्मा आलोचनात्मक अस्त के लेंस के माध्यम से कैसे आता है वहीं पे वड़ा का वकुपट्टी रामस्वी एक उदंड अविश्वासी सरधाम द्वारा अविनित एक अनुसरण कहता है जो अपने ग्रामीणों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर एक देवता बनता है वही एक मंदिर बनाता है और फिर आध्यात्मिक व्यवसाय को पर ले जाता है और वही अपने गांव में एक प्रमुख इंसान बन जाता है वहीं पे हालांकि बड़ी ताकतें रामस्वामी को भ्रष्ट करने की कोशिश करती है और वही परिणाम स्वरूप लड़ाई उनके सब कुछ खोने के समाप्त हो सकती है शायद उनकी नासिकता भी हालांकि इसका आधार ऐसा लगता है जैसे इसमें धर्म की धार्मिकता के बारे में पर्याप्त घटिया संदेश है जो आपकी आंखें घुमाते रहेंगे मूवी इतनी आश्वस्त है कि संदेशों के साथ या क्षणों को थकेले तक, के बजाय अपने केंद्रीय टॉपिक्स को धीरे धीरे विकसित होने देती है हालांकि आखिरी कुछ सीस में ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर कार्तिक योगी ने उपरोक्त सकारात्मकताओं पर एक बुलडोजर चला दिया है जिसमें पूरी तरह से बदलाव और बारीकियों और सुचमता की कमी है वही संतराम एक संयमित दृष्टिकोण अपनाता है वहीं पे पीछे की सीट लेता है और सपोर्टिंग कैरेक्टर को भारी काम करने देता है खासकर जब कॉमेडी सीन्स की बात आती है वहीं दूसरी ओर संतरा भी व्यावसायिक नायक के भूमिका में अपनी स्थिति का दावा करने की जल्दी में नहीं है हालांकि यहाँ कुछ सामान्य हीरो क्षण हैं जैसे यहाँ धीमी गति से चलना और वहाँ एक पंच संवाद ऐसा महसूस नहीं होता है कि सरतर हताशा के साथ स्टीयरिंग व्हील पकड़ रहा है भले ही वह निश्चित रूप से ड्राइवर की सीट पर बैठा हो वहीं पर से मार, रबी मारिया और आश्चर्यजनक हद तक डीजा लगल रबी सबसे ज्यादा हंसी लाते हैं वहीं यहाँ तक कि उन सीन्स में भी जो कहानी से बहुत दूर तक फैले हुए हैं और वही गति को ख़त्म कर देते हैं वहीं मेगा आकाश की कायल विजी न केवल एक अच्छी तरह से लिखी गई एक फीमेल कैरेक्टर होने के कारण ताजा है जो कथानक को प्रस्तुत करती है और न केवल एक रोमांटिक रुचि रखती है बल्कि कई अंह या फों की तरह हमारे चेहरे पर चिल्लाने के लिए भी नहीं हालांकि ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने उसके कैरेक्टर को नष्ट के लिए उसी बुलडोजर का यूज किया है जिसका यूज उसने क्लाइमेक्स के लिए किया था वहीं पे एन में कायल विजी ने की योजनाओं को विफल करने के लिए खुद को एक मोहक महिला में बदल लिया। वह कैरेक्टर में चेंज जो कहीं से भी आता है और अनाशक लगता है क्यों यहाँ क्योंकि यह ना तो हास्य और ना ही नाटक प्रदान करता है वह इससे भी कोई मदद नहीं मिलती है कि मेगा आकाश कमज़ोर प्रदर्शन के साथ यकीनन एक अच्छी तरह से लिखे गए कैरेक्टर की एक सकारात्मक सकारात्ताओं का लग लाभ उठाने में विफल रहती है वहीं अंत तक कि ओ शारदा का कैरेक्टर डेवलप है क्योंकि वह अचानक इतना धर्मी बन जाता है कि अधिक से अधिक फलाई के लिए खुद को बलिदान कर सकता है वही ये भी किसी ठोस ट्रिगर द्वारा संबंधित नहीं है वही एम एस भास्कर एक अन्य पूर्व शराबी की भूमिका निभाते हैं जो विश्वास के महत्व के बारे में मूवी के केंद्रीय संदेश का मुख्य पात्र बनते हैं हालांकि उन्होंने एक दिलचस्प किरदार निभाया है एम के जिसने हास्य और नान के दोनों भूमिकाओं में अपनी उत्कृष्टता साबित की क्या बहुत कम उपयोग किया लगता है हालांकि पात्र पूरी तरह से संतोषजनक तौर से नहीं गुजर सकते हैं वारा कुमी की सबसे बड़ी ताकत इसका लेखन है गति को बनाए रखने के लिए प्रत्येक कथा सूत्र दूसरे के प्रभावी ढंग से प्रभावित करता है वही इसके अलावा आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहानी कुछ मजाक के एक गीत लिखी गई हो वह हास्य अधिकांश भाग में काम करता है और यहाँ तक कि जो चुटकुले नहीं चल पाते वो भी समय है वह यहाँ तक कि सभी स्पष्ट खामियों के बावजूद और भले ही कहानी आपको मजबूत नहीं कहती है मटुकूपट्टी रामास्मी अभी भी आपको बीच तरह कैरेक्टर से भरी अपनी रंगी की दुनिया में खींचती है और आपको कुछ हद तक हंसी के साथ जोड़ देती है तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए तो चलिए दोस्तों मिलते अगली वीडियो में तो फ्रेंड्स आज मैं लेके आई नो वर्टी रामाशामी मूवी जो हाल ही दो में रिलीज हुई है ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जो एक पीरियड कॉमेडी ड्रामा मूवी है मैं आज इस वीडियो में इस मूवी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी जैसे कि इस मूवी की बजट इस मूवी की रनिंग टाइम इस मूवी की लैंग्वेज किस लैंग्वेज में ये रिलीज हुई है वहीं पे इस मूवी की रिलीज डेट मूवी को किस कंपनी द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया है मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मूवी को किसने संगीत दिया है वहीं पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर एडिटर वहीं पे इस मूवी के पटकता को किसने लिखा है ये भी बताऊंगी साथ ही साथ इस मूवी के स्टार कास्ट, मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर के बारे में बात करूंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वर्डक् पट्टी रामाश्रामी एक दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ हुई इंडियन तमिल लैंग्वेज की पीरियड कॉमेडी ड्रामा मूवी है जो डी लूना फेम्स कार्तिक योगी द्वारा लिखी गई और वहीं पे डायरेक्टेड की गई मूवी है और इसमें संतानाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है वहीं बात करूँ इस मूवी की स्टोरी की तो एक स्वार्थी धन दिमाग वाला धो के बाद अपने साथी ग्रामीणों के अंधविश्वासों का उपयोग करके अपना जीवन यापन करता है वही जब उसकी आय का प्रमुख स्रोत बंद हो जाता है तो वह मंदिर को फिर से खोलने के लिए कई तरीके आजमाता है वही बात करूँ इस मूवी की स्टार कास्ट के तो मूवी में संथानम रामस्वामी के भूमिका में है वही इस मूवी में मेगा आकाश डॉक्टर कयालिन वी के रूप में है वहीं एम एस भास्कर जी मोनू की भूमिका में है जॉन विजय जिस मूवी में मुकेान का नियान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वहीं रवि मारिया कलैया की भूमिका में है तहसीलदार ताजी इस मूवी में कातिरेशन के रूप में है जो तमेश भदुर के हैं वही डीजा रवि मेजर चंद्रकांत के भूमिका में है राजेंद्र जी एक कुंडे के रूप में है वहीं पे रामास्मी के दोस्त मुरुगेशन के भूमिका में इस मूवी में लोलू शबा मारन है वही कुलू कुल सुरेश के रूप में है पुजारी के रूप में इस मूवी में लोलु शबा शेषु है वही पे प्रसाद की भूमिका में है जो कल्याण का बेटा है लक्ष्मी की की बेटी भूमिका में है। गोपाल सिद्ध फैथियर के रूप में मूवी में स्वामीनाथन है वही मंदर रवि को तहसीलदार कपी ए नियुक्त किया गया वही राम स्वामी मां के रूप में मूवी में मनी मेघालय है वही ग्रामीण सरगुणम के रूप में थेनी मेरुगन है वही उदू मलाई रवि अस्पताल परिचारक के रूप में है वही नैस की भूमिका में नकलाई सावित्री है वही मूवी का टाइटल उत्मा रासा 1993 के एक कॉमेडी सीन्स पर बेस्ड है जिसमें गौंडा मैनिक एक ऐसे इंसान से पूछता है जो मर गया है और वो व्यक्ति वडकू पट्टी रामाशामी के साथ जवाब देता है वो ये मूवी 1960 और वहीं पे 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है वही मूवी की शूटिंग तिरसठ दिनों के एक ही शेड्यूल में की गई थी वहीं ये फिल्म दो फरवरी को 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और वहीं पे फिल्म के सैटेलाइट राइट्स कलकनार टीवी को बेचे गए थे वही साउंड ट्रैक साउंड रोल्डन द्वारा रचित था वहीं इस मूवी का गाना अबारक को दबारको के बोल बकियम शह संक, शंकर जी ने लिखे हैं वहीं इस गाने के गायक नाम शॉन रोल्डन है।, वह है वही इस गाने की ड्यूरेशन थ्री पॉइंट थर्टी नाइन सेकेंड है वहीं इस मूवी का दूसरा गाना और उर्दू के बोल अरिव जी ने लिखे हैं वहीं पे इस गाने के गायक एंथोनी दासन है वहीं पे इस गाने की ड्यूरेशन थ्री पॉइंट थर्टी टू सेकेंड है वहीं सिनेमा एक्स प्रेस के एक आलोचक ने मूवी को पाँच में से स्टार तीन स्टार रेटिंग दी और लिखा कि सभी स्पष्ट खामियों के बावजूद भले ही कहानी आपको मजबूर ना करे, वड़कू पट्टी रामास्मी अभी भी आपको बीच चित्र पात्रों से भरी अपनी रंगीन दुनिया में खींचती है और आपको छोड़ देती है मुट्ठी भर से अधिक हंसी के साथ वहीं पे इस मूवी को टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आलोचक ने पाँच में से चार दो की स्टार रेटिंग दी वहीं एक बाई दो स्टार रेटिंग दी और लिखा कि स्वाभाविक रूप से वह पट्टी रामासामी व पट्टी रामा एक पुनः नाटकीय मूवी है जो आम ऑडियंस को हंसाने रोने और निराश होने के लिए बनाई गई है इसके दो घंटे से अधिक के रन टाइम के दौरान वही इंडियन टुडे के एक आलोचक ने इस मूवी को रेटिंग देते हुए पाँच में से दो की स्टार रेटिंग दी और लिखा कि शांत धर्म की, की मूर्खतापूर्ण कॉमेडी इतनी मूर्खतापूर्ण है कि ये आपको ज़्यादातर अपना वक्त अपना सीज खुजलाने पर मजबूर कर देती है न्यूज़ टुडे के एक आलोचक ने लिखा है कि संक्षेप में मूवी ऑडियंस को कॉमेडी ड्रामा और अप्रत्याशित मोड़ का एक आनंददायक मिश्रण प्रदान करती है जो इसे हल्के फुल्के और वहीं मनोरंजक सिनेमाई अनुभव की तलाश करने वालों के लिए सार्थक घड़ी बन जाती है वहीं पे हम अक्सर हास्य कलाकारों को इस बारे में बात कहते हुए सुनते हैं कि कॉमेडी लिखना कितना कठिन है और जो कागज़ पर काम करता है ज़रूरी नहीं कि वो स्क्रीन पर भी काम करे वहीं पे पिछले लगभग एक दशक में हमने कई कॉमेडी फिल्में देखी है जो इसे दिल से लगा लेती है वही लिखने के कि किसी भी प्रयास को पूरी तरह से छोड़ देती है और हमें पीड़ित कर देती है वही पेना तेजातन जब गुणवक्तापूर्ण कॉमेडी की बात आती है तो तमिल सिनेमा लंबे वक्त से सूखे की स्थिति में है वाकू पर टी राम ने या तो जादू तोड़ दिया है या कम से कम उन्हें इससे फायदा हुआ है वही उसी तरह जैसे रेगिस्तान में फंसे किसी इंसान को एक गंदा तालाब हिमधारा जैसा दिखता है वहीं वे किसी भी तरह से यदि आप खामियों के बारे में बहुत अधिक है। सोचते हैं तो मूवी आपको एक आनंददायित शिकायत जैसा महसूस कराने के लिए पर्याप्त काम करती है वहीं पे हालांकि ये एक पुनः व्यंग नहीं है ये मूवी अंधविश्वास धार्मिक बाबा अंधविश्वास जैसे टॉपिक्स पर मजाक उड़ाती है और इस पे कोविड के वर्षों पर एक बेटा कॉमेंट्री भी है हालांकि ये भूलना मुश्किल नहीं है कि व्यंग तर्क दृष्टिकोण के बजाय आत्मा आलोचनात्मक के माध्यम से कैसे आता है वहीं पे वड़ा का बड़ा कुपट्टी एक उदंड अविश्वासी सरधाम द्वारा अविनत एक अनुसरण कहता है जो अपने ग्रामीणों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर एक देवता बनता है वही एक मंदिर बनाता है और फिर आध्यात्मिक व्यवसाय को पर ले जाता है और वही अपने गांव में एक प्रमुख इंसान बन जाता है वहीं पे हालांकि बड़ी ताकतें रामशामी को फ्रस्ट करने की कोशिश करती हैं और वही परिणाम स्वरूप लड़ाई उनके सब कुछ खोने के समाप्त हो सकती है शायद उनकी नासिकता भी हालांकि इसका आधार ऐसा लगता है जैसे इसमें धर्म की धार्मिकता के बारे में पर्याप्त घटिया संदेश है जो आपकी आंखें घुमाते रहेंगे वही मूवी इतनी आश्वस्त है कि संदेशों के साथ या दिश न क्षणों को तक थकेले के बजाय अपने केंद्रीय टॉपिक्स को धीरे धीरे विकसित होने देती है हालांकि आखिरी कुछ सीन्स में ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर कार्तिक योगी ने उपरोक्त सकारात्मकताओं पर एक बुलडोजर चला दिया है जिसमें पूरी तरह से बदलाव और बारीकियों और सुचमता की कमी है वही संतराम एक संयमित दृष्टिकोण अपनाता है वहीं पे पीछे की सीट लेता है और सपोर्टिंग कैरेक्टर को भारी काम करने देता है खासकर जब कॉमेडी सीन्स की बात आती है वहीं दूसरी ओर सन्थराम भी व्यावसायिक नायक के भूमिका में अपनी स्थिति का दावा करने की जल्दी में नहीं है हालांकि यहाँ कुछ सामान्य हीरो क्षण हैं जैसे यहाँ धीमी गति से चलना और वहाँ एक पंच संवाद ऐसा महसूस नहीं होता है कि सरतर हताशा के साथ स्टीयरिंग व्हील पकड़ रहा है भले ही वह निश्चित रूप से ड्राइवर की सीट पर बैठा हो वहीं पर से मार, रबी मारिया और आश्चर्यजनक हद तक डीजा लगल रबी सबसे ज्यादा हसी लाते हैं वहीं पर यहाँ तक कि उन सीन्स में भी जो कहानी से बहुत दूर तक फैले हुए हैं और वही गति को ख़त्म कर देते हैं वहीं मेगा आकाश की कायल से न केवल एक अच्छी तरह से लिखी गई एक फीमेल कैरेक्टर होने के कारण ताज़ा है जो कथानक को प्रस्तुत करती है और न केवल एक रोमांटिक रुचि रखती है बल्कि कई अंत या फिल्मों की तरह हमारे चेहरे पर चिल्लाने के लिए भी नहीं वही हालांकि ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने उसके कैरेक्टर को नष्ट के लिए उसी बुलडोजर का यूज किया है जिसका यूज उसने क्लाइमैक्स के लिए किया था वहीं पे एन में कायल वीजी ने रामी की योजनाओं को विफल करने के लिए खुद को एक मोहक महिला आता है और अनाशक लगता है क्यों यह क्योंकि यह ना तो हास्य और ना ही नाटक प्रदान करता है वह इससे भी कोई मदद नहीं मिलती है कि मेगा आकाश कमजोर प्रदर्शन के साथ यकीनन एक अच्छी तरह से लिखे गए कैरेक्टर की एक सकारात्मक सक, सकारात्मकता का लाभ उठाने में विफल रहती है वहीं अंत तक की ओ शाराम का कैरेक्टर डेवलप है क्योंकि वह अचानक इतना धर्मी बन जाता है कि अधिक से अधिक फलाई के लिए खुद को बलिदान कर सकता है वही ये भी किसी ठोस ट्रिगर द्वारा संबंधित नहीं है वही एम एस भास्कर एक अन्य पूर्व शराबी की भूमिका निभाते हैं जो विश्वास के महत्व के बारे में के केंद्र संदेश का मुख्य पात्र बनते हैं हालांकि उन्होंने एक दिलचस्प किरदार निभाया है एम एस भास्कर जिसने हास्य और नान के दोनों भूमिकाओं में अपनी उत्कृष्टता साबित की का बहुत कम उपयोग किया लगता है हालांकि पात्र पूरी तरह से संतोषजनक तौर से नहीं गुजर सकते हैं वर्णा कुमार टी की सबसे बड़ी ताकत संदेह इसका लेखन है गति को बनाए रखने के लिए प्रत्येक कथा सूत्र दूसरे के प्रभावी ढंग से प्रभावित करता है वही इसके अलावा आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहानी कुछ मजाक के इर्द गिर्द लिखी गई हो वही हास्य अधिकांश भाग में काम करता है और यहाँ तक कि जो चुटकुले नहीं चल पाते वो भी समय है वही यहाँ तक कि सभी स्पष्ट खामियों के बावजूद और भले ही कहानी आपको मजबूत नहीं कहती है पटूकू पट्टी रामास्मी अभी भी आपको विचित्र कैरेक्टर से भरी अपनी रंगी दुनिया में खींचती है और आपको कुछ हद तक हंसी के साथ जोड़ देती है तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए तो चलिए दोस्तों मिलते अगली वीडियो तो में फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज लेके आई नो वर्टी रामाशामी मूवी जो हाल ही दो में रिलीज हुई है ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जो एक पीरियड कॉमेडी ड्रामा मूवी है मैं आज इस वीडियो में इस मूवी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी जैसे कि इस मूवी की बजट इस मूवी की रनिंग टाइम इस मूवी की लैंग्वेज किस लैंग्वेज में ये रिलीज हुई है वहीं पे इस मूवी की रिलीज डेट मूवी को किस कंपनी द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया है मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मूवी को किसने संगीत दिया है वहीं पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर एडिटर वहीं पर मूवी के पटकता को किसने लिखा है ये भी बताऊंगी साथ ही साथ इस मूवी के स्टार कास्ट, मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर के बारे में बात करूंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पट्टी रामाश्रामी एक दो हज़ार चौबीस में रिलीज हुई इंडियन तमिल लैंग्वेज की पीरियड कॉमेडी ड्रामा मूवी है जो डी लूना फेम्स कार्तिक योगी द्वारा लिखी गई और वहीं पे डायरेक्टेड की गई मूवी है और इसमें संतानाम और मेघा आकाश ने अभिनय किया है वहीं बात करूँ इस मूवी की स्टोरी की तो एक स्वार्थी धन दिमाग वाला धो के बाद अपने साथी ग्रामीणों के अंधविश्वासों का उपयोग करके अपना जीवन यापन करता है वहीं जब उसकी आय का प्रमुख स्रोत बंद हो जाता है तो वह मंदिर को फिर से खोलने के लिए कई तरीके आजमाता है वहीं बात करूं इस मूवी की स्टार कास्ट के तो मूवी में संथानम रामस्वामी के भूमिका में है वही इस मूवी में मेगा आकाश डॉक्टर कयालिन विजी के रूप में है वहीं एम एस भास्कर जी मुनूसामी की भूमिका में है जॉन विजय जी इस मूवी में मुकेान का नियान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वहीं रवि मारिया कलैया की भूमिका में है तहसीलदार जी इस मूवी में कातिरेशन के रूप में है जो तमेश बदुर के हैं वही डीजा रवि मेजर चंद्रकांत के भूमिका में है राजेंद्र जी एक कुंडे के रूप में है वहीं पे रामास्मी के दोस्त मुरुगेशन के भूमिका में इस मूवी में लोलू शबा मारन है वही कुलू कुल सुरेश के रूप में है पुजारी के रूप में इस मूवी में लोलू शबा शेषु है वही पे प्रसाद मुठु की भूमिका में है जो कल्याण का बेटा है वही जैकलीन लक्ष्मी मुकेन की बेटी की भूमिका में है गोपाल सिद्ध फैथियर के रूप में मूवी में स्वामीनाथन है वही मंदर रवि को तहसीलदार कपी ए नियुक्त किया गया वही राम की मां के रूप में मूवी में मनी मेघालयी है वही ग्रामीण सरगुणम के रूप में थेनी मेरुगन है वही उदू मलाई रवि अस्पताल परिचारक के रूप में है वही न्याय की भूमिका में नकलाइट सावित्री है वही मूवी का टाइटल उत्मा रासा 1993 के एक कॉमेडी सीन्स पर बेस्ड है जिसमें गौंडा मैनिक एक ऐसे इंसान से पूछता है जो मर गया है और वो व्यक्ति वडकू पट्टी शामी के साथ जवाब देता है वो ये मूवी 1960 और वहीं पे 1970 के दशक में घटी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है वही मूवी की शूटिंग तिरसठ दिनों के एक ही शेड्यूल में की गई थी वहीं ये फिल्म 2 फरवरी को 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और वहीं पे फिल्म के सैटेलाइट राइट्स कलेक्टर टीवी को बेचे गए थे वहीं साउंड ट्रैक साउंड रोल्डन द्वारा रचित था वहीं इस मूवी का गाना अबारक को दबारक को के बोल बकियम शह संक, शंकर जी ने लिखे वहीं इस गाने के